क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ की थ्योरी बताऊंगा, एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग हमारा प्रोजेक्ट जब करते हैं, डन करते हैं या डेयरिंग करते रहते हैं, तो उस बीच में कमेंट देते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिससे मुझे उनके कमेंट पढ़ के लग जाते हैं कि इनको एक्चुअल में एंगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और इसमें मैं स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करने वाला हूं। और अगर जैसे डायरेक्टिव यूज़ हो रहा है तो डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टिव को हम डायरेक्टिव से होने वाले एरर्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग पेशेंस बना के रखें, एक एक वीडियो अपलोड होगी, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, और पर डे यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक मैं टास्क असाइन करूँगा या एक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको करके कमेंट सेक्शन पे हमें बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आफ्टर दैट मैं अपनी वीडियो को रिज्यूम करूंगा। आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलते हैं और आज बताते हैं कि हम अपने इस पूरे प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं और किस पे हम वर्क करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मैं यहाँ पर जो भी चीज़ अपने ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा उसको मैं लिख के रखा हूँ और आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला है हमारा ट्यूटोरियल एंगुलर 11 ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। पहला वीडियो हमारा होगा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन का, जिसमें कम्प्लीटली हम एंगुलर के बारे में बताएंगे, एंगुलर कब रिलीज हुआ, इसका क्या वर्किंग फ्लो है, एंगुलर है क्या चीज़, ये सारी चीज़ बताऊँगा। दूसरा है एंगुलर इंस्टॉल एप्लीकेशन, एंगुलर के एप्लीकेशन को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ये सीखेंगे। तीसरे वीडियो में हम सीखेंगे फाइल एंड फोल्डर, फिर हम सीखेंगे हेलो वर्ड बनाना, हेलो वर्ड कैसे उसमें हम प्रिंट कराएंगे, हेलो वर्ड्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो सब में ही बताया जाता है, सो मैं ये अपने तरीके से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इन सारे वीडियोस में एक खास बात है कि कोई एक वीडियो बनेगा, कोई दो वीडियो, क्योंकि एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा। वो फिफ्थ पॉइंट पे है इंटरपोलेशन, हम लोग इंटरपोलेशन सीखेंगे कि एंगुलर में इंटरपोलेशन कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट है कंपोनेंट, कंपोनेंट के बारे में पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंपोनेंट, फिर हम सीखेंगे कंपोनेंट कैसे बनाते हैं थ्रू द कमांड लाइन, उसके बाद हम सीखेंगे कि कंपोनेंट किस किस तरीके से बना सकते हैं, कंपोनेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं। 7 पॉइंट है मॉड्यूल, मॉड्यूल हम सीखेंगे कि मॉड्यूल कैसे जनरेट करते हैं, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन एंड इवेंट, हम कॉल बैक फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल है कॉल बैक फंक्शन का, किसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ये सारी चीज़ सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे इवेंट्स, इवेंट हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे चेंज इवेंट, क्लिक इवेंट, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो उन सारे इवेंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। उसके बाद 10th पॉइंट है बाइंडिंग, यहाँ पर मैंने सिर्फ बाइंडिंग लिखा हूँ, पर यहाँ पे मैं देखूंगा बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बाइंडिंग वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग, सारे बाइंडिंग जितने भी आ जाते हैं वो सारे देखेंगे। अब इस पर 3 वीडियो बनता है, 4 वीडियो, वो डिपेंड्स करता है। उसके बाद है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव कितने तरीके से होते हैं, डायरेक्टिव हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वर्क करता है डायरेक्टिव हमारा, ये सारी चीज़ देखेंगे। और डायरेक्टिव में एरर्स कब आते हैं और डायरेक्टिव से होने वाले एरर्स में हमें क्या दिखाई देता है कि वो किस टाइप का एरर होता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा देखेंगे बूट स्ट्रैप ऐड करना, अपने प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम एंगुलर मटेरियल यूज़ करना, एंगुलर मटेरियल अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगेन रीयूजेबल कंपोनेंट, इसको मैंने अलग पॉइंट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि कंपोनेंट्स में मैं चाहता तो बता देता, लेकिन रीयूजेबल कंपोनेंट तब आपको समझाऊंगा जब काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट, कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट का मतलब यही हुआ कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट का मतलब ही यही होता है कि चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट कैसे हम कम्युनिकेट कराते हैं थ्रू द आउटपुट इनपुट, ये सारी चीज़ें के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। आफ्टर दैट 16 पॉइंट है हमारा एंगुलर पाइप, एंगुलर पाइप हम सीखेंगे। पाइप इज़ लाइक, अगर आपने कोई शॉर्टिंग वगैरह सीखा हो, जानते हो, तो उसी तरीके से वर्क होता है, तो इसके बारे में हम 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन है हमारा एंगुलर राउटिंग, हम लोग राउटिंग सीखेंगे, जितने भी राउटिंग का मॉड्यूल आया है वो सारे सीखेंगे, इस पर भी 2-3 वीडियो बनेगा। एंड अगेन है एंगुलर सर्विसेज। सर्विसेज तो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि सर्विसेज होता क्या है, कैसे बनता है, क्योंकि इसको एक ही वीडियो में समझाना पड़ेगा। एंड अगेन है एंगुलर इंटरफेस। यहाँ पे मुझे एंड क्लास ऐड करना था पर नहीं कर पाया, पर मैं आपको बता दूंगा इंटरफेस और क्लास कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इसमें यहाँ पर है लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग के बारे में हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देंगे और लेज़ी लोडिंग को अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि हम कोई भी वेब ऐप क्रिएट करें तो उसे अपने तरीके से हैंडल कर सकें और लाइट वेट बने और बहुत स्मूथली, बहुत फास्ट वर्क करें। ये मैंने 20 पॉइंट्स बनाए हैं। इस 20 पॉइंट्स में किसी पॉइंट में 4 वीडियो बनेगा, किसी में 3 वीडियो बनेगा, तो इससे लेके कम से कम ये 70-80 वीडियो इस पर बन जाएगा। उसके बाद जो बचेगा हम बाकी सारे एंगुलर प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे क्रेड सिस्टम का, क्रेड एप्लीकेशन सिस्टम का, और वो भी कम्प्लीटली ये सारे फीचर हम उसमें यूज़ करेंगे। जितना भी यहाँ पे मैं बताऊँगा वो सारे के सारे पॉइंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, और एक एक चीज़ जब भी यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि ये इस नंबर पॉइंट को आज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये वीडियो इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो से हमारा पहला होगा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, थोड़ा सा एंगुलर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर 11 ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। जैसा कि ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है एंगुलर 11 ट्यूटोरियल फॉर प्योर बिगिनर्स के सीरीज में। तो इसमें हम सीखने वाले हैं, थोड़ा सा एंगुलर का ओवरव्यू सीखेंगे और थोड़ा सा एंगुलर के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। दैट्स। तो चलिए अपने पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एंगुलर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंगुलर है क्या, एंगुलर किसे कहते। तो मैं आपको बता दूं, एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसमें लिखा है एंगुलर इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल एंड बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ओके, एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसे गूगल के द्वारा डेवलप्ड और मेंटेन किया गया है फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए एंगुलर एप्लीकेशन को लाया गया। अब एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क अभी आगे मैं बताऊंगा कि फ्रेमवर्क होता क्या है, क्योंकि तो मैं जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक एक पॉइंट एक एक चीज़ कवर करूंगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो अभी मैं आपको फ्रेमवर्क भी बताऊंगा। डेवलप्ड करना आप लोग जानते हो, तो एंगुलर इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। नाउ अब बात आती है, ये हमारा एंगुलर आया कब। तो मैं बता दूं, एंगुलर हैज़ रिलीज्ड इन 2016, बट बिफोर एंगुलर, मतलब 2016 में हमारा एंगुलर रिलीज हुआ। देयर वाज एंगुलर जीएस बिफोर एंगुलर। एंगुलर के पहले क्या था, एंगुलर जीएस था। अब एंगुलर जीएस और एंगुलर में डिफ्रेंशिएट भी हम करेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एंगुलर इज दैट व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन एंगुलर जीएस एंड एंगुलर। एंगुलर जीएस और एंगुलर में डिफरेंट क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो आपका ये भी डाउट आज क्लियर कर देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। यहाँ पर है एंगुलर जीएस एंड एंगुलर। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख रखे हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली सेंटेंस लिखा हूँ, ऐसा लिखा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। दीज टू वर्जन ऑफ एंगुलर कन्फ्यूज मैनी डेवलपर। मतलब एंगुलर के जो दो वर्जन हैं, इसमें एंगुलर के सारे डेवलपर, लगभग सारे डेवलपर कंफ्यूज रहते हैं कि एंगुलर जीएस और एंगुलर में डिफरेंट क्या है। सो एंगुलर जीएस एंड एंगुलर आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क। एंगुलर जीएस जो है और एंगुलर दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा है एंगुलर वर्जन। एंगुलर जो जीएस का वर्जन था लाइक 1, 1.2, 1.5 एक्सेट्रा था, मतलब 1 से 2 के पहले ही था, ठीक है। और कॉल्ड द एंगुलर जीएस, ये सारे एंगुलर जीएस कहलाते हैं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्जन 2 एंड एबव इज कॉल्ड एंगुलर। जो एंगुलर 2 वर्जन से स्टार्ट हुआ है और उसके ऊपर जितना भी है, एंगुलर 2, एंगुलर 4, एंगुलर 5, एंगुलर 6, एंगुलर 7, एंगुलर 8, एंगुलर 9, एंगुलर 10 एंड एंगुलर 11, तो ये जितने भी सारे हैं ये हमारे एंगुलर कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया। मैं आप यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे करके लिखा हूँ, एंगुलर जीएस वर्जन 1, वर्जन फ्रॉम 1.x, ठीक है। 1.x करके जितना भी है वो एंगुलर जीएस है, और एंगुलर जो है वर्जन 2 एंड एबव, 2 से जितना आगे जा रहा है वो सब एंगुलर है। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूँ एंगुलर जीएस जो था वो हमारा प्योरली जावास्क्रिप्ट पे वर्क करता था, और एंगुलर जो है वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट पे वर्क करता है। टाइप स्क्रिप्ट आप लोग जानते होंगे, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट होता है टाइप स्क्रिप्ट, मतलब उससे और ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई प्रोफाइल, हाई फंक्शनलिटी, ये सारी चीज़ मिला के तो टाइप स्क्रिप्ट बनता है। Well, so Angular version 2 is completely rewrite of AngularJS framework. AngularJS के framework को rewrite किया गया था दोबारा, तब Angular 2 रिलीज हुआ. एंड नेवर वर्जन लाइक एंगुलर 4, एंगुलर 5, एंगुलर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन और भी आगे होते रहेंगे. एंड माइनर चेंज ऑफ एंगुलर वर्जन 2, इन सब में माइनर चेंजेस होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कम्प्लीटली रिराइट ही कर दिया जाए. जो एंगुलर 2 में है वो एंगुलर 10 में भी कुछ कोड काम करते हैं, एंगुलर 6 में भी काम करते हैं. तो इस तरीके से माइनर चेंजेस होते हैं. अब बात आती है व्हाट इज़ फ्रेमवर्क. जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि फ्रेमवर्क भी हम समझ लेते हैं. ए फ्रेमवर्क इज़ ए कम्प्लीटली पैकेज विथ इट्स ओन फंक्शनलिटी एंड लाइब्रेरीज. जो फ्रेमवर्क होता है वो कम्प्लीटली खुद में एक पैकेज होता है और वो खुद की अपनी फंक्शनलिटी और लाइब्रेरीज से बना होता है. ओके, ए फ्रेमवर्क हैज़ इट्स ओन रूल्स. इसके पास अपना खुद का नियम होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क करता है. इसे थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती. यू डोंट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी एंड द प्रोजेक्ट. मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. इट्स डिपेंड ऑन द फ्रेमवर्क एज यू. मतलब ये अपने फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है, आप जैसा इसको यूज़ करना चाहो. एंगुलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेमवर्क. एंगुलर जो है खुद एक एग्जाम्पल है फ्रेमवर्क का. एंगुलर में आप सारी चीज़ें खुद अपने एंड से कर लेता है, कोई थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं होती. सारी चीज़ इसका खुद का बना बनाया इसके लाइब्रेरी में रखा है. जो चीज़ चाहिए उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करो, यूज़ कर लो. तो इसी को कहते हैं फंक्शनलिटी एंड लाइब्रेरी. जितना भी बना हुआ है वो पूरा पैकेज, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं. नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, व्हाट इज़ एंगुलर सीएलआई. ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर सीएलआई क्या होता है और एकदम समझने वाली भी बात है. एंगुलर सीएलआई, पहली बात तो हम सीएलआई समझ लेते हैं. सीएलआई फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस जो हम CMD यूज़ करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, इसी तरीके से यहाँ पे भी CLI पे वर्क करता है. ये सारा चीज़ CLI करता है. इसका अपना खुद का CLI है, ये अपना खुद का CLI सपोर्ट करता है. तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा है. CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, इसको मैंने बता दिया. एंगुलर हैज़ इट ओन ऑफिशियल CLI. इसके पास अपना खुद का ऑफिशियल CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है. दैट हेल्प अस विथ अ लॉट ऑफ थिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस. जब भी हम कोई प्रोसेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसमें ये हमारा CLI बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंगुलर CLI इज़ बीइंग यूज्ड टू ऑटोमेटिंग ऑपरेशन इन एंगुलर प्रोजेक्ट रेदर देन डूइंग देन मैनुअली. जो आप मैनुअली करना चाहते हो उसी को ये CLI के थ्रू कर देता है. ऑटोमेटिकली ऑपरेशन जनरेट करता है, ऑपरेशन मेंटेन करता है. जैसे NG सर्व, NGG, NGGC, NGGI. तो ये सारे कमांड है, ये सारे CLI के कमांड है एंगुलर के, जो ये अपने खुद में बना हुआ है, अपने खुद में इसका ऑफिशियल खुद का CLI है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एन प्रोजेक्ट इन फॉर बीइंग इन. मतलब ये अपने प्रोजेक्ट में वर्क होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एंगुलर CLI कैन बी यूज्ड फॉर. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया हूँ कि एंगुलर CLI कैन बी यूज्ड फॉर. मतलब एंगुलर CLI कहाँ यूज किया जा सकता है. तो पहला पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, इन्वायरमेंट सेटअप, बिल्डिंग कंपोनेंट, सर्विस, राउटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन करने में यूज होता है, एनवायरनमेंट सेटअप करने में यूज होता है, बिल्ड करने में यूज होता है, कंपोनेंट बिल्ड करने में यूज होता है, राउटिंग करने के लिए यूज होता है, सर्विसेज हमें जो कहीं लगाना होता है तो यूज होता है, HTTP रिक्वेस्ट करना होता है तब यूज होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, टेस्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं और डेवलप करने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो इसमें सारी चीज़ मैंने लिख रखा. और यहाँ पर लिखा इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी टू लाइब्रेरी लाइक बूटस्ट्रैप, सैस, jQuery, जो भी आपको यूज़ करना होता है, थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारा एंगुलर CLI का सबसे बड़ा योगदान है. तो यहाँ पे मुझे 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आया. पहला, एंगुलर कब रिलीज हुआ, एंगुलर JS और एंगुलर में डिफ्रेंशिएट क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, एंगुलर CLI क्या है. तो आई थिंक कि ये आपके लिए इतना थ्योरेटिकल होना बहुत ज़रूरी था, इतना आपको आना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एंगुलर JS एंड एंगुलर एंड व्हाई यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंगुलर JS एंड एंगुलर. ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि एंगुलर जब JS था तो हमें एंगुलर लाने की ज़रूरत क्या थी. तो इन सारे क्वेश्चन को आप इस अगर वीडियो को समझ गए होंगे तो अब आप समझ जाएंगे. और अगर और ज़्यादा बेहतर समझना है तो आप डीपली समझने के लिए थोड़े से एंगुलर JS का और एंगुलर का डिफ्रेंशिएट कोई आर्टिकल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा. नाउ एंड मच मोर. नाउ लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल फर्स्ट एंगुलर ऐप बाय यूजिंग द CLI स्टेप बाय स्टेप। और अब हम सीखने वाले हैं एंगुलर कैसे इंस्टॉल होता है। तो एंगुलर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हमारा दूसरा लेक्चर में एंगुलर इंस्टॉल करना रहेगा और कम्प्लीटली कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे सेटअप होता है, उसमें वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एंगुलर कब आया, एंगुलर JS और एंगुलर में डिफ्रेंशिएट क्या है और एंगुलर हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेसन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड एपिसोड, एंगुलर 11 इंस्टॉल एप्लीकेशन। अपना एंगुलर का एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है एंगुलर इंस्टॉल करने से पहले, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहली चीज़ होती है Node.js, जो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। मैं Node.js जैसे आप गूगल पर लिख के एंटर करेंगे तो ये आपका Node.js का आ जाएगा पहला लिंक, और इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे LTS वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। सेकंड चीज़ है, हमें एक एडिटर की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं VS कोड का। आपको लिखना है गूगल पे VS कोड, तो यहाँ पर VS कोड की पहली जो लिंक अपीयर होगा, विजुअल स्टूडियो कोड आपको दिखेगा इधर, और इस तरीके का लोगो है कुछ इसका, इसको आप डाउनलोड कर लेना। आपकी स्क्रीन पर भी लोगो अपीयर हो रहा होगा, तो आप उसी लोगो वाले वेबसाइट को ओपन करके और यहाँ जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए कर लीजिए, डेबियन उबंटू है तो .dev करिए, रेड हैट फिडोरा सुशी है तो .rpm करिए, मैक एप्पल का है तो आप मैक का डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए कम्प्लीटली, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूं अपने एंगुलर के ट्यूटोरियल में, तो इसलिए ये प्री रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ करने से हम एंगुलर को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एंगुलर में और अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम आते हैं एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है GitHub, गिट बैश है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा गिट बैश। आपको गिट बैश लिखना है गूगल पे, git.stm.com, तो इस गिट को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। आप सिंपली ये कंप्यूटर बना दिखेगा 2.3.1.0 वर्जन है, आपको इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, आफ्टर दैट आपको एंगुलर इंस्टॉल करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। पहला आपको Node.js डाउनलोड करना है, दूसरा VS कोड डाउनलोड करना है, तीसरा गिट बैश डाउनलोड करना है। ये तीन चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद तब हम प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे, तब हम तो इन तीनों को डाउनलोड, आई होप कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, और मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम कमांड देंगे फोर्थ पॉइंट पे npm install -g @angular.cli/cli। ये कमांड देंगे हम एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ npm node पैकेज मैनेजर है, जहाँ पर npm एंगुलर के नोड पैकेज के सारे पैकेजेस रखते हैं, और इंस्टॉल एक कमांड है इंस्टॉल करने का जो एंगुलर CLI पर वर्क करता है। -g का मतलब है ग्लोबली हमारा npm एंगुलर का npm इंस्टॉल होगा, @angular.cli एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेगा ग्लोबली हमारे विंडो मशीन में। उसके बाद हम कमांड हिट करेंगे, तो चलिए पहले इस कमांड को हिट कर देते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं अपना, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आता हूँ। डेस्कटॉप पर आया और यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है हमारा, प्रोज नाम का, इसके अंदर आता हूँ। इसके अंदर एक हमारा एंगुलर क्रड मास्टर नाम का एप्लीकेशन। अब इसके अंदर एक फोल्डर मैं बनाता हूँ, mkdir/angular tutorial for pure beginner। मैं इतना बड़ा सा नाम दे दिया। अगेन इसके अंदर मैं आता हूँ, मैं आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये फोल्डर बना कि नहीं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ दिखाते चलूँगा। सो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ प्रोज नाम का एक फ़ोल्डर होगा हमारा, ये है प्रोज नाम का फ़ोल्डर। इसके अंदर देखो, ये देखो, एंगुलर ट्यूटोरियल फॉर प्योर बिगिनर्स नाम का एक फ़ोल्डर आ गया। अब हम यहाँ पे कमांड हिट करने वाले हैं npm वाला, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे कॉपी किया Ctrl+C से, और यहाँ पर मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ग्लोबली हमारे एंगुलर के वर्जन को इंस्टॉल कर देगा, npm को इंस्टॉल कर देगा। और उसके बाद मैं आपको npm चेक भी कराऊंगा कौन सा वर्जन हुआ है। डिड यू मीन इंस्टॉल? आई थिंक इंस्टॉल की स्पेलिंग मिस है। ओके एग्जैक्टली गलत है, तो यहाँ पर इंस्टॉल होता है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूं अपने इंस्टॉल। तो ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉलिंग अब शुरू हो जाएगा। ये देखो हमारा एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी आपको दिखा देंगे कि कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है npm पैकेज के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको npm चेक कराऊंगा कि npm कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद नोड को चेक कराऊंगा। आप लोग जैसे ही नोड इंस्टॉल कर लेना तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना अपना, और यहाँ पर आपको सिंपली डालना है node-v। जैसे लिख के एंटर करेंगे यहाँ पे आपको बता देगा वर्जन 12.13.1। ठीक है, मेरे पास वर्जन 12.13.1 Node.js इंस्टॉल है। और ये जैसा कि हमारा इंस्टॉल लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट डन ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। npm भी यहाँ पे हमारा बता देगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है npm-v। npm-v करेंगे तो आपको यहाँ पे npm का वर्जन दिखा देगा 6.12.1। npm मतलब नोड पैकेज मॉड्यूल का वर्जन हमारा 6.12.1 है। अब हमारा ये एंगुलर इंस्टॉल हो रहा है, एंगुलर 11.2.5। अभी तक हम वर्क कर रहे हैं 11.1.2 पर 11.2.5 आ गया हमारे विंडो मशीन के लिए। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अब सिंपली हम इस पे अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको कोई भी स्टेप मिस मत करना। आप लोग चाहो तो पेन कॉपी उठा के बैठ जाओ, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें हो, आप उसको लिखिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद हमसे पूछिए। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज में या किसी भी तरीके से आप ईमेल के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा, सारे मैसेज के रिप्लाई दूंगा, अगर आप कहीं भी हमसे पूछेंगे तो। अब चलिए मैं अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए ng न्यू, ng एंगुलर का कमांड है, ng न्यू फॉर नया। और अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, तो मैं सिंपली दूंगा एंगुलर ट्यूटोरियल। यहाँ पर ng न्यू एंगुलर ट्यूटोरियल लिख के एंटर किया। अब यहाँ पे हमसे अपने ब्लॉग पे जाने वगैरह के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली हमें नो कर देना रहेगा। उसके बाद पूछेगा कि वुड यू लाइक टू यूज़ राउटिंग, आप राउटिंग यूज़ करेंगे तो भी हम येस या नो कर देंगे। और उसके बाद पूछेगा आप CSS का कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब इसलिए पूछता है क्योंकि ये इनिशियली पॉइंट पे ही आपको सारी चीज़ कॉन्फ़िगर करके दे देगा। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो यहाँ मैं नो लिख के एंटर करता हूँ। और दूसरा मांग है वुड यू लाइक टू एंगुलर राउटिंग, मैं यस करता हूँ, हाँ मुझे चाहिए। अब ये पूछ रहा है कौन सा स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क आपको चाहिए, तो मैं CSS ही यूज़ करता हूँ। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, हमारा एंगुलर का फर्स्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो अभी ये सारा इंस्टॉल होने के बाद इसमें बहुत सारे फोल्डर एंड फाइल्स आपको दिखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, पर उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आराम से। वेल, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज रख देता हूँ, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी देर तक इंस्टॉल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट तक लेता है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद मैं वीडियो को रिज्यूम कर रहा हूँ। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस प्रोजेक्ट आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली इन स्लाइस्ड गिट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसको जब आप विजुअल स्टूडियो कोड डाल लेंगे तो आपको सिंपली टाइप करना है code/dot और एंटर कर देंगे, तो ये प्रोजेक्ट आपको ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपको दिखने लगेंगे। और इस पर टर्मिनल लाने के लिए आपको Ctrl+tilde बटन का यूज़ करना पड़ेगा। Ctrl+tilde बटन आपके कीबोर्ड में है, आपको स्क्रीन पे भी मैं दे दूँगा। आप वो बटन यूज़ करके आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, पर यहाँ पर हमारा गिट बैश है। आप में कमांड प्रॉम्प्ट होगा तो आपको उसको सेट कर लेना है। सेट करने के लिए पिछले कोई ट्यूटोरियल मैंने बताया हूँ, आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, CD/angular tutorial। तो अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे ही देखो मुझे मास्टर रिपोजिटरी दिखाने लगेगा कि मैं अपने मास्टर रिपोजिटरी में हूँ, क्योंकि रिपोजिटरी हमारी गिटहब पे होती है और गिट बैश हमने यूज़ भी किया है। और जैसे ही हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा आपको डायरेक्टली गिट में इनिशियलाइज्ड करके तब देगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई होगी। अभी तक में कुछ डाउट नहीं होगा, अगर आपको डाउट है तो आप में कमेंट में दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए कमांड डाला था एंगुलर npm इंस्टॉल करने के लिए npm install -g @angular.cli। उसके बाद मैंने कमांड डाला था ng new और प्रोजेक्ट नेम। अब लास्ट कमांड जो है वो है 6 वाला जिसका नाम है ng serv -o। ये क्या कमांड काम करता है, ng बताया ही हूँ एंगुलर का कमांड है। सर्व हमारा सर्विस को स्टार्ट करता है और रन करता है, सर्व करता है। कहते हैं ना कि अपने सर्वर को स्टार्ट करो, अपने सर्वर को रन करो, तो सर्व हमारा उसी के लिए यूज़ किया जाता है। और -o मतलब सर्व करने के बाद इसको ओपन कर दो ब्राउज़र पे। चाहे यहाँ पे आप -open लिखो चाहे -o लिखो, बात सेम है, दोनों कमांड यूज़ होते हैं। तो अब ये जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होने लगेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है रन होते टाइम पे। इससे पहले था हमारे पूरे प्रोजेक्ट को जब रन होना होता था तो 3-4 स्टेप में पहले बिल्ड करता था, फिर कंपाइलिंग करता था, फिर जाके रन कराता था प्रोजेक्ट। पर यहाँ पे जब लेटेस्ट वाला भी जो आया है एंगुलर 11 तो उसमें डायरेक्टली बहुत सिंपल फॉर्म में जनरेट करता, सारे कोड को जनरेट करता है अपने वर्चुअल फॉर्म में और उसको डायरेक्टली रन करा देता है। और यहाँ पर अभी ये भी बताएगा कि मेन फाइल आपकी कौन सी कितने केवी की है, कौन कौन फाइल मेनली आपकी रन हो रही है। और जब अपडेट करोगे तो ओनली एक ही फाइल को चेंज करेगा बार बार, वो भी आपको मैं प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। ओके सो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है इन स्लैंग style.css एंड style.js हमारा 346.78 KB में है। और इसी तरीके से ऊपर में और जाता हूं तो 1 सेकेंड इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेन फाइलें जो होती हैं, mapender.js 2 MB में है, 2.5 MB में है, polyfill.js, style.css, style.js, main.js एंड runtime.js। ये मेन फाइलें जो हमारी रन हुई हैं अभी। और आपको कुछ ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप रन करेंगे। और रन होते ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ब्राउज़र पे, जैसा कि भी ओपन हो गया। और ये हमारा रहा एंगुलर का प्रोजेक्ट। तो एकदम सिंपल और एकदम ईजी स्टेप है, आप एंगुलर बहुत ईजीली तरीके से सीख सकते हैं अगर आप स्टेप बाई स्टेप ध्यान देंगे और एकदम पेशेंस के साथ सीखेंगे और एक चीज़ फॉलो करेंगे जैसा मैं बताऊँगा। तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सिर्फ एक बार ट्यूटोरियल पूरा सीखने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं, आप उसको डन कर सकते हैं देखकर, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाने वाला है। तो कुछ आपको इनिशियली पॉइंट पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि ये सारे फाइल एंड फोल्डर क्या हैं, इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने अपने इमेज में लिख रखा है, थर्ड लेसन पे एंगुलर 11 फाइल एंड फोल्डर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अपने एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट जो भी हमारा फोल्डर बनता है, फाइल्स बनती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो फोल्डर और फाइल्स कैसे वर्क करते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और कैसे जनरेट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है। ये हमने पिछले वीडियो बनाया था एंगुलर ट्यूटोरियल का। एंड एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर डिले दिस वीडियो। एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था ट्रिप पे, सो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखते हैं आपको। अब ये फाइल्स एंड फोल्डर वर्क क्या करते हैं बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं कि इसको बताने के लिए मुझे इसको रनर की ज़रूरत नहीं है, इस पर कुछ रन नहीं कराऊंगा मैं। ओके, और इतने पे ही मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। सबसे पहले फोल्डर आपको दिखता है E2E, इट मीन्स एंड टू एंड टेस्ट। एंड टू एंड टेस्ट क्या काम करता है, बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी रन कोडिंग टाइम पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, कभी कभी एरर जनरेट होता है, ध्यान दीजिए, बताता है कि यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये ऐसा एरर है। तो वो सारी क्या होता है, E2E टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे यूनिट टेस्ट नहीं होता, नॉट यूनिट टेस्ट है ये चीज़, तो इसलिए ये हमारा E2 है। E2E के अंदर एक SRC नाम फोल्डर बनता है और एक प्रोटेक्टर config.js की फाइल बनती है और TS config.js की फाइल बनती है, आप लोग याद रखना है चीज़। और इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग E2E पे वर्क नहीं करते हैं। हम जो वर्क करते हैं, जिस फाइल फोल्डर पर करते हैं, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि E2E इज यूज्ड फॉर एंड टू एंड टेस्टिंग मॉड्यूल। ओके, नाउ सेकेंड आता है node_module। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो होता है, जब भी हम npm इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे हमारा जनरेट हो जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये जितना भी एंगुलर के सपोर्टिंग लाइब्रेरी एंड पैकेजेस होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे रखी होती है। इन केस अगर हमें बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो जब भी हम डाउनलोड या इंस्टॉलेशन का हम कमांड देंगे वो चीज़ इंस्टॉल करके यहाँ पे लाके मुझे रख देगा नोड मॉड्यूल के अंदर। इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी पैकेजेस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हैं जो हमारा जिसकी हमें ज़रूरत होती रहती है। जब भी हम कोड करते हैं इसकी ज़रूरत होती रहती है, तो ये सारे हमारे पहले से बने बनाए रखे हैं। अब जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते ही यहाँ पे बूटस्ट्रैप नाम का भी एक फ़ोल्डर बन जाएगा। jQuery इंस्टॉल करना है तो jQuery नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से सारे पैकेज हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं जो हमारे एंगुलर के लिए यूज़फुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट फोल्डर है src। बेसिकली src पे ही हम वर्क करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि जिस पे भी हम वर्क करेंगे उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी पूरा प्रोजेक्ट है 99% हमारा src फोल्डर के अंदर जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे उस पे हमारे वर्क होते हैं, अभी से मैं बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है वो प्री डिफाइंड या इनिशियली पॉइंट पे कॉन्फ़िग किए गए फाइल्स होती हैं, उसके बारे में भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ब्राउज़र लिस्ट। जो ब्राउज़र लिस्ट होता है बेसिकली ये ब्राउज़र को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सारे ब्राउज़र पर क्रॉस प्लेटफॉर्म चेक और क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग, ये सारी चीज़ हमारा ब्राउज़र लिस्ट कॉन्फ़िग करता है। नेक्स्ट है एडिटर कॉन्फ़िग। एडिटर कॉन्फ़िग को हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। एडिटर कॉन्फ़िग में आपको कुछ ऐसा बना बनाया दिखेगा, रूट ट्रू, एस्टिक एरे है, कैर सेट utf-8 है। ये सारी चीज़ है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। बेसिकली एडिटर कॉन्फ़िग को हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई टीम वर्क करते हैं। सपोज मैं काम कर रहा हूँ, एक मेरा XYZ दोस्त है वो काम कर रहा है, अब मैं हेडर पे काम कर रहा हूँ, वो फूटर पे काम कर रहा है, लेकिन दोनों को एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो भी डिफाइन कर देंगे कि आपको इस कोड पे लिखना है तो वो भी इसी कोड पे लिखेगा, तभी कोड हमारा बिल्ड होगा, नहीं तो नहीं बिल्ड होगा। इट मीन्स ये एक तरीके का ये अपना एक खुद रूल जनरेट कर सकते हो और उसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप अगले से भी कोड करवा सकते हो। तो ये काम होता है हमारा एडिटर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गिट इग्नोर भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या, आप गिट इग्नोर पे कुछ भी फाइल या फोल्डर रख के उसको हाइड करा सकते हो। हाइड कराने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने इसको गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट डाल दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस की फ़ाइल आपको ना दिखे, तो जहाँ पे डेटाबेस की फ़ाइल होगी वहाँ पे मैं इसको हाइड कर दूँगा, तो आपको डेटाबेस की फ़ाइल दिखेगी ही नहीं, आपको दिखेगा नहीं कि ये फ़ाइल है कहाँ पर। तो इसलिए यूज़ किया जाता है गिट इग्नोर। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ आपको हाइड करना होगा कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट क्लोन करे तो वो फोल्डर हमारा ना जाए, तो आप गिट इग्नोर पे वो फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। बस इतना सा ही इसका काम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है angular.json। आपको मैं बता दूं angular.json ऐसी फाइल है जहाँ पे आपके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है। अगर उसमें कोई भी फाइल या फोल्डर बना है तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल यहीं पे रहता है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट। रूट पे हमारा क्या है, प्रोजेक्ट नेम एंगुलर ट्यूटोरियल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंगुलर ट्यूटोरियल। प्रोजेक्ट टाइप क्या है, एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ हमारी इंडेक्स फाइल कहाँ है, एसआरसी के अंदर index.html में, मैं वे भी दिखा दूँगा। मेन फाइल कहाँ है, एसआरसी के अंदर main.ts है, पॉलीफिल्स है, ts config है, aot है, assets है, assets वगैरह सब इसी एसआरसी के अंदर आपको देखेगा, देख सकते हो main.ts html assets। तो ये सारी चीज़ें पूरा जितना ये यूज़ किया जाता है angular.json, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको कम्प्लीटली आना चाहिए एंगुलर, नहीं तो आपको एरर जनरेट करेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इस फाइल और फोल्डर को मत छेड़ें, आपको जितना बताया जाए उतने पे ही वर्क करें। धीरे धीरे सीखते सीखते आप एक्सपीरियंस्ड जब हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसको खुद ही कॉन्फ़िगर करना सीख जाओगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा karma.config.json। karma.config.json एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर एक अपना खुद का फ्रेमवर्क है, जैस्मिन। और वो जैस्मिन क्या करता है, हमारे टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी बिल्ड होता है एंगुलर, उस समय पे हमारा ये जैस्मिन फ्रेमवर्क वर्क करता है। जैस्मिन फ्रेमवर्क किसके थ्रू वर्क करता है, karma.config.js के थ्रू। तो ये एक रनिंग टाइम, बिल्डिंग टाइम पे टेस्ट करता है और जो भी प्रॉब्लम, जो भी एरर्स होते हैं वो तुरंत एक्सप्लोर करके दे देता है। नाउ पैकेज लॉग जेसन एंड पैकेज जेसन, तो इसकी मेन फाइल है हमारी पैकेज जेसन। पैकेज लॉग जेसन जो होता है, जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ना, कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो एक spec.ts आ जाता है। तो spec.ts की ही तरह यहाँ पे पैकेज log.json है। वेल, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, यूज़ है जो है package.json का। package.json एक हमारी ऐसी फाइल है जहाँ पे जितने भी CLI के कमांड्स हैं वो यहीं पे रखे गए हैं, जितने भी इंपोर्ट की लाइब्रेरी है यहीं पे रखी गई है। अगर कुछ भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका वर्जन डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट करेगा। जैसे HTTP क्लाइंट को आपको इंपोर्ट करना है तो angular.forms के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको प्रोजेक्ट टेस्ट कराना है तो ng e2e लिख देंगे तो आपका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। लिंट करना है तो ng लिंट लिख देंगे, लिंट होने लगेगा। टेस्ट करना है ng टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट होना। तो ये सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट के कमांड्स हैं, वर्जन डिफाइन किए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है हमारी। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये समझ ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आप किसी को भी, किसी इंटरव्यूअर को भी आप अपने तरीके से समझा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, readme.md। readme.md ऐसी फाइल होती है, आप लोग भी अपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी बनाइए तो उसमें readme.md जरूर इंपोर्ट करिए। readme से क्या होता है कि वहाँ पे हमारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या चीज़ करने से क्या होगा। सपोज जब इस फाइल को मैं किसी सर्वर पे अपलोड करूँगा ना, तो ये readme.md जो फाइल है, ये कोई भी ओपन करके समझ सकता है कि इसको हमें कैसे करना है, कैसे रन करना है, कैसे बिल्ड करना है, कंपोनेंट कैसे जनरेट करना है, किस तरीके से इसको हम सर्वर पे डालेंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन की रहती है। तो एक तरीके का स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन होता है readme.md फाइल, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे उस समय क्रिएट हो जाएगा। नाउ अगेन आते हैं tsconfig.app.json, ठीक है। tsconfig.app.json हमारी ऐसी फाइल है जो सप्लीमेंट वर्क करती है tsconfig.json की। तो tsconfig.json पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, सोर्स फाइल और जितनी भी हमारी ES 2016 जो भी वर्क होता है, वो सारी चीज़ें, जितना वर्चुअल डॉम वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पे सिंपली उसको पाथ दिया गया है और इसी पाथ के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो आप इस फाइल को बिल्कुल भी ना छेड़ें, बस देख सकते हैं क्या है, कैसे है, बस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ इतना सा ही कोड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। नाउ tsconfig.spec.json जैसा कि सप्लीमेंट में मैंने बताया था। अगेन लास्ट है tslint.json। tslint.json एक ऐसी फाइल है जो हमारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको एक जो स्टैंडर्ड एंगुलर को राइट करने का, उसी स्टैंडर्ड पे लिखिए, अदरवाइज हम आप में एरर जनरेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया गया है कि आपको एक स्टैंडर्ड पे फॉलो करना ही होगा अगर आपको एंगुलर पढ़ना है तो, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ये एकदम सिंपल सा था। अब मेन जो हमारा वर्किंग फ्लो है वो है SRC। तो चलिए थोड़ा सा अब SRC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ SRC को ओपन करते हैं तो SRC के अंदर 3 फोल्डर दिखते हैं, उसके बाद कुछ फाइलें दिखती हैं। चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तुरंत ही। पहला है ऐप। ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी आप कंपोनेंट जनरेट करेंगे, जितने भी सर्विसेज बनाएंगे, जितने भी इंटरफेस बनाएंगे, जो जो भी चीज़ करेंगे वो आपके ऐप फोल्डर के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ऐप फोल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए और हमें यहीं पे काम करना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसका जो फाइल्स है अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई भी इमेजेस रखनी हो, कोई भी MP3 रखना हो, कोई भी वीडियो रख के रेंडर कराना हो, जो भी आपको एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत होती है, जो भी एक्सटर्नल्स डेटा की ज़रूरत होती है, उसको आप अपने एसेट्स पे रख के कॉल करा सकते हैं। नाउ थर्ड फोल्डर है हमारा इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स हमारा क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट के एक इन्वायरमेंट्स जनरेट करता है। इट मीन्स इन्वायरमेंट मतलब अगर जैसे कोई आप एपीआई बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट्स पे अपना डेटा रख कर एपीआई को यहीं से बराबर कॉल करते रहेंगे। एक जगह यहीं पे डिफाइन कर दीजिए कि हमारे एपीआई का यूआरएल ये है, हमारे एपीआई का रूट ये है, हमारे डीबी का बेस यूआरएल ये है। ये सारी चीज़ सेट करके यहीं से कॉल करते रहेंगे और आपका हर जगह कॉल होता रहेगा, वर्क होता रहेगा। तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट। नाउ अब हम थोड़ा सा फाइल्स की बात करते हैं। ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts, ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts जो होता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट को राउटिंग प्रोवाइड कराता है। राउटिंग मतलब होता है राउट मतलब किस राउट पे हमें क्या करना है। राउट एक तरीके से आप अपने मतलब रियल वर्ल्ड से रिलेटेड समझिए तो एक तरीके से पाथ जनरेट करता है। पाथ बताता है कि अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे जाएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे जाएंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे लॉग इन पे जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे जाएंगे। इसी तरीके से ये एक तरीके का राउट डिफाइन करता है कि आपको किस पे क्लिक करके किस पे जाना है। नेक्स्ट इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जब हम ये सारी चीज़ें करने लगेंगे। तो दिस इज द ओनली फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ओवरव्यू, सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि इसको सिंपली तरीके से आप समझिए, आप बहुत ज़्यादा डीप में मत ले जाइए क्योंकि डीप में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी डीप में समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और बोर होकर एग्जिट मार दोगे। सो परेशान होना नहीं है, बिल्कुल बी स्ट्रेट, सिंपल और एक एक स्टेप हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा app.component.css। तो एंगुलर हमारा ऐसा फ्रेमवर्क है जो अपना हर कंपोनेंट का अपना खुद का एक CSS फाइल बना के देता है कि इस कंपोनेंट के लिए इस पे CSS लिख सकते हो। तो उसी तरीके से एक हमारा app.component है और यहाँ पे CSS लिखने के लिए एक फाइल बना के दिया है। अगेन app.component.html, हर कंपोनेंट का अपना खुद का एक HTML होगा जहाँ पे उसकी कोडिंग करोगे, आप HTML फाइल लिखोगे, वहाँ पे HTML का कोड करोगे और वही चीज़ हमें यूज़र को दिखेगा। app.component.spec.ts, वेल मैं आपको बता दूं जो spec.ts होगा सारे कंपोनेंट्स में आएगा और आप कमांड से चाहो तो उसको नहीं भी ला सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको ये सारी चीज़ नहीं बताऊंगा, अभी वही बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो spec.ts इज ए टेस्टिंग मॉड्यूल और यहाँ पर सिर्फ टेस्ट होता है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग मॉड्यूल के समय पे टेस्ट होता रहता है। कोड कर रहे हो, टेस्टिंग करता रह गए, तो इसके लिए आप परेशान ना होना। ये राउटिंग टेस्टिंग मॉड्यूल एक तरीके का होता है, ये हर राउट को एक एक 1 by 1 टेस्ट करता रहता है। तो अगर कोई आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट इज़ द app.component.spec.ts, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमारा कोड टाइम पे टेस्ट होता रहता है। सिंपल सा, दैट्स इट। नाउ app.component.ts, तो जो भी कंपोनेंट जनरेट करोगे उसके TS भी फाइल आएगी और उस TS पे आपको लॉजिक लिखना है, मेथड लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली आपको बिल्ड कराना है। उसके बाद लास्ट आता है app.module.ts। app.module.ts जो होता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मेन फाइल मतलब मेन मॉड्यूल होता है, जहाँ पे जितने भी आप सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, जितने भी प्रोवाइडर्स रखेंगे, जितने भी मॉड्यूल जनरेट करेंगे, वो सारी की सारी इसको बताना पड़ेगा। एक तरीके का ये आपके जैसे क्लास का डीन होता है, उसी तरीके से ये हमारे एंगुलर का डीन है कि इसको सारी चीज़ की जानकारी होती है कि कौन सा लाइब्रेरी अब आ रही है हमारे पास, कौन सा हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा HTTP क्लाइंट कॉल किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है, ठीक है। लेकिन ये भी वर्क करता है किसी के इशारे पे, अभी मैं वो भी समझाता हूँ। तो ऐप फोल्डर समझ में आ गया, एसेट समझ में आ गया, एनवायरनमेंट समझ में आ गया। अब आप आते हैं favicon.icon। favicon.icon एक तरीके का आइकन्स होते हैं और यहाँ पर ये एंगुलर का जैसे आइकन है, यहाँ पर कोई भी अपने प्रोजेक्ट का आइकन आप रख सकते हो, उसको कॉल करा सकते हो, कुछ भी नहीं है। index.html, index.html जो होता है हमारा मेन फाइल होती है, सबसे पहली जो हमारी पूरे एंगुलर में रन होती है हमारी index.html ही रन होता है। तो यहाँ पर जो आप चेंजेस करोगे उसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में चेंज होता है। इनिशियली पॉइंट पे सबसे पहली फाइल जो रन होती है बूट होता है सबसे पहला हमारा main.js, जिस पे अभी मैंने क्लिक करा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये फाइल हमारी सबसे पहले, जैसे ही आप ng सर्वर डालते हैं तो ये सबसे पहले फाइल स्टार्ट होती है और इसी के कमांड के थ्रू आपका ऐप मॉड्यूल वर्क होता है, इसी के कमांड पे एनवायरनमेंट वर्क करता है, इसी के कमांड पे ही आपका ऐप कंपोनेंट मतलब यही हमारा इनेबल करता है कि पहले ब्राउज़र पे जाए और ब्राउज़र को चेक करे, उसके बाद ऐप मॉड्यूल को हिट करे और एनवायरनमेंट को हिट करे, उसके बाद सारी चीज़ें वर्क करती है। वो सबसे पहले फाइलें जो रन होती है उसका नाम है main.ts। नाउ polyfill.ts ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जब भी कोई चीज़ हम अपना एंगुलर के CLI के थ्रू हम कोई इंपोर्ट करते हैं और कोई भी इंपोर्टेशन समय पे कोई भी एरर वगैरह जनरेट होता है तो हमारा polyfill.ts जनरेट करके बताता है। नेक्स्ट है style.cs। style.css एक ग्लोबली css फाइल है जो कि यहाँ पे जो भी कोड करोगे ग्लोबली हमारा css परफॉर्म होगा। तो एंगुलर ऐसा फ्रेमवर्क है जो ग्लोबली css भी प्रोवाइड कराता है कि आप ग्लोबल तरीके से कोई भी चीज़ पे पूरे एनवायरनमेंट को एक बार में अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हो, तो वो है style.css। नाउ द लास्ट पॉइंट इज test.ts। तो test.ts जो होता है जैसा कि आप लोग जानते हो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ng टेस्ट करोगे तो टेस्टिंग होगा, कोई भी एरर होगी, कोई भी बग्स होंगे तो वो तुरंत एक्सप्लोर करके दे देगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टिंग कोडीज। सो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ क्यों करते हैं और कंपोनेंट्स हम किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंगुलर में सबसे मेजर पार्ट होता है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का मेजर पार्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी चीज़ आप बनाते हो, कोई भी मॉड्यूल बनाते हो तो उसके लिए कंपोनेंट आपको जनरेट करना मस्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि कंपोनेंट से कई सारे हम मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि कंपोनेंट जो भी हम जनरेट करते हैं उसको हम मॉड्यूल के हिसाब से बांट देते हैं, मॉड्यूल कह देते हैं कि ये हमारा इस चीज़ का मॉड्यूल है, ये हमारा सेकंड सेक्शन का मॉड्यूल है। इस तरीके से आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो एकदम सिंपल सी भाषा हम समझिए कि जो कंपोनेंट होता है वो हमारा मेजर पार्ट होता है एंगुलर का। दूसरी चीज़, कंपोनेंट से हम बहुत सारे मॉड्यूल बना सकते हैं लाइक होम, अबाउट, कॉन्टेक्टर्स, हेडर, फूटर, साइड बार, नोटिफिकेशन, अपडेट, एडिट। ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें इन सारे का अपना अपना खुद का एक मॉड्यूल होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, एंगुलर 2 के पीछे जो था हमारा एंगुलर जेएस, उसमें MVC पैटर्न यूज होता था, मॉडल व्यू कंट्रोल। उसको जब अपडेट किया गया तो हमारा कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क आया। कंपोनेंट बेस्ड मतलब कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हम अपनी चीज़ें वर्क करते हैं, कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को इंसर्ट, एडिट, अपडेट, डिलीट करते हैं, सारी चीज़ें, सारे एक्शन हम कंपोनेंट बेस पे करने लगे। तो ये कंपोनेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इसका काम क्या है, हम इस चीज़ पे आज फोकस करने वाले हैं। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है विजुअल स्टूडियो कोड पे और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपोनेंट जनरेट कैसे करते हैं। तो चलिए, आप Ctrl+Tilde बटन दाबेंगे तो आपका इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं भी Ctrl+Tilde बटन दाबता हूँ और मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन बता रहा है कहाँ पर हूँ मैं। इसमें मेरी मास्टर रिपोजिटरी वर्क कर रही है। नाउ आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। G फॉर जनरेट। आप जनरेट पूरा लिख सकते हैं या शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। मुझे शॉर्ट नेम लिखना है तो मैं शॉर्ट नेम ही लिखूंगा और मोस्टली डेवलपर शॉर्ट नेम ही लिखते हैं, पूरा कंप्लीटली नहीं लिखते। तो ng मतलब एंगुलर का कमांड है ng, G फॉर जनरेट एंड कंपोनेंट मतलब c फॉर कंपोनेंट। आप चाहे कंपोनेंट ऐसे लिखिए, या आप ओनली c लिखकर काम चला सकते हैं। c लिखेंगे तब भी वही पर करेगा, कंपोनेंट लिखेंगे तब भी वही पर करेगा, मतलब इट्स योर चॉइस आपको क्या लिखना है और क्या आपको समझना है वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने लिखा ng, G फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट और यहाँ मैं कंपोनेंट का नेम दूंगा। कंपोनेंट का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक कंपोनेंट लिख देता हूँ होम कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर होम टाइप किया और होम टाइप के जैसे ही लिख के एंटर करूँगा, कुछ सेकंड वेट करूँगा, मतलब कुछ मिनट वेट करूँगा तो यहाँ पे हमारी 4 फाइलें कंटेन करके आएगी। 4 फाइलें में कौन कौन सी रहेंगी, होम कंपोनेंट .css, होम कंपोनेंट .html, होम कंपोनेंट .ts और होम कंपोनेंट .spec.ts। जो लोग भी बताते हैं 3 फाइलें कंटेन होती हैं, तो तीन फाइलें कंटेंस नहीं होती हैं, हमारी चार फाइलें आती हैं। आप इसको फ्लैट कर सकते हो, जो spec.ts है वो अननेसेसरी फाइल है, आप चाहो तो रखो चाहे तो हटा दो, तो उसको कमांड के थ्रू आप हटा भी सकते हो। तो उसको मैं उसके लिए डिस्कस करूँगा मैं आपको बाद में, और उसको बता दूंगा किस तरीके कोड कमांड डालने से ये spec.ts फाइल नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार फाइलें आई हैं, होम कंपोनेंट डॉट HTML, होम कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट TS, होम कंपोनेंट डॉट TS एंड होम कंपोनेंट डॉट CSS। और यहाँ लास्ट में देखो लिखा है अपडेट। अपडेट में SRC के अंदर ऐप मॉड्यूल डॉट TS के अंदर अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल के अंदर चलते हैं। ऐप मॉड्यूल हमें मिलेगा ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर ये रहा ऐप मॉड्यूल डॉट TS। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने इतना किया वैसे ही यहाँ पे होम कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे क्लास का एक डीन होता है, उसको सारी चीज़ें पता रहती है, कौन नया स्टूडेंट आया, कौन नया टीचर आया, उसी तरीके से इसको भी सारी चीज़ें पता है कि कौन नया कंपोनेंट आ रहा है, कौन सी सर्विसेज आ रही है, कौन से प्रोवाइडर्स यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो चुका है NG मॉड्यूल में। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक इसके लिए यूज होता है एज ए चाइल्ड कंपोनेंट के यूज करेगा, ठीक है। अभी ये जो हमारा यूज़ होगा एज ए चाइल्ड कंपोनेंट यूज होगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। अभी बहुत ज़्यादा ब्रॉड में समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस पे वर्क करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये आने लगेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इसका पूरा लाइफ साइकिल हुक अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कैसे गया, कैसे आया, कैसे वर्क किया। थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, बस हो गया। तो ये हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट TS। अब हम देखते हैं कि हमारा होम कंपोनेंट ये देखो बन गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कितनी फाइलें। जैसे मैं क्लिक किया तो इसके अंदर देखो चार फाइलें दिख रही हैं, 1 2 3 4। देखो जो हैज से डिनोट करता है वो हमारा CSS की फाइल होती है। लेट मी शो यू, इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखिए जो हैज से डिनोट होता है वो हमारी CSS होती है, जो ब्रैकेट से डिनोट होता है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट से, वो हमारी HTML फाइल होती है, क्योंकि HTML का टैग इसी से स्टार्ट होता है। आई थिंक कि आप लोग को पता होगा अच्छे से। जो येलो कलर से TS लिखा रहे वो जान लो spec.ts है, टेस्टिंग फाइल है। और जो ब्लू कलर से TS लिखा रहे वो हमारी प्योर TS फाइल है। TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल, जो कि हमारी ECMA 2015 का सुपर सेट है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा मतलब कंपोनेंट जनरेट कैसे होता है और कंपोनेंट हमारा किस तरीके से जनरेट करते हैं, कंपोनेंट होता गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ अभी तक मैंने मिस किया हूँ, और इसमें मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ कि कंपोनेंट किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, कंपोनेंट कैसे होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने का इन द सेंस आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे चलिए होम कंपोनेंट डॉट TS आपको दिखाता है। सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट होके आया, और यहाँ पर जब भी कंपोनेंट जनरेट होगा तो इसके पास तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। पहला आपके अंदर होता है सिलेक्टर, जो हमारा सिलेक्टर बताता है जिस नाम का हमारा कंपोनेंट होता है, ऐप हाइफन होम। अगर कहीं किसी भी कंपोनेंट में हमें यूज़ करना होगा तो इसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली ये सिलेक्टर हम उस पर्टिकुलर HTML पे यूज़ कर लेंगे, तब भी इसका पूरा पेज वहाँ पर रेंडर डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा होता है टेम्पलेट URL। टेम्पलेट URL हमारा बताता है बेसिकली लोकेशन क्या है, इस फाइल की लोकेशन हमारी कहाँ है, क्या है। एंड द लास्ट थिंग स्टाइल URLs बताता है इसकी स्टाइल सीट का URL हमारा क्या है, स्टाइल सीट का पाथ क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी और बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। वेल, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो कंपोनेंट है हमारा ये Angular 2 के बाद आया है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो कंपोनेंट होता है इससे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के बहुत सारे मॉड्यूल्स को भी बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो, उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम बना सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, और जो भी होगा मैं प्रैक्टिकल में इसको करके आपको बताऊंगा। फिलहाल प्रैक्टिकल में मैं जनरेट करके दिखा दिया हूँ, आप लोग इसको देखिए, समझिए कि किस तरीके से हमारा कंपोनेंट जनरेट होता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर एप्लीकेशन, आपने एंगुलर ट्यूटोरियल पे डेटा बाइंडिंग कैसे यूज़ करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल एंड प्रोजेक्ट के वीडियो सारे मिल जाएंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे। चलिए अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ डेटा बाइंडिंग। लेकिन डेटा बाइंडिंग बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लास्ट में जो कंपोनेंट वाला पार्ट था उसमें एक पॉइंट बच गया था जो कि मैं प्रैक्टिकली करके नहीं बता पाया, तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, फिर आगे डेटा बाइंडिंग रिज्यूम करता हूँ। तो वो ये था कि मैंने बोला था कि यहाँ पर ऐप component.ts पे एक वर्ड होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव के अंदर सिलेक्टर। ये सिलेक्टर को हमने बोला था कि इस सिलेक्टर को एज ए टैग के फॉर्म में कहीं भी लिख दोगे तो वो एज ए पूरा को पूरा डिस्प्ले, पूरा को पूरा HTML फाइल उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो पता नहीं आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, पर मेरा जो फर्ज है मैं अपने तरीके से मैं यहाँ पे बताते चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने पिछले वीडियो में एक कंपोनेंट बनाया था होम कंपोनेंट .ts। होम कंपोनेंट के HTML पार्ट में मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग में होम कंपोनेंट वर्क लिखा हूँ। अब इस होम कंपोनेंट का HTML को देखो मैं रूट कंपोनेंट पे डालने वाला हूँ। रूट कंपोनेंट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब भी कोई आप एंगुलर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो जब इंस्टॉलेशन टाइम पे जो भी हमारा प्रीडिफाइंड कंपोनेंट बना बनाया हमें मिलता है उसको बोलते हैं रूट कंपोनेंट। इसका आप डेमो देखना चाहें तो आप अपने ऐप component.ts पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐप हाइफन रूट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जितने कंपोनेंट आप बनाएंगे उसका आपके द्वारा दिए गए नाम मिलेगा, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐप हाइफन रूट रहेगा क्योंकि ये रूट कंपोनेंट है, ठीक। तो अपने रूट कंपोनेंट पे मैं होम कंपोनेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं सिंपली सा यहाँ पर जो ऐप हाइफन होम है इस सिलेक्टर को यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद अपने ऐप component.html पे आऊंगा और यहाँ पर एज ए टैग के फॉर्म में इसको पेस्ट कर दूंगा, ये देखो, और सेव कर दूंगा। अब देखो हमारा दिखेगा यहाँ पर होम कंपोनेंट वर्क। ये देखो ये हमारा बाय डिफॉल्ट एंगुलर का पहला वाला कंपोनेंट है, मतलब सबसे पहला वाला कंपोनेंट मतलब रूट कंपोनेंट है। और इस रूट कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या वर्क कर रहा है, होम कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारा रूट कंपोनेंट वर्क किया, उसके अंदर हमारा जो वर्क किया है वो हमारा है होम कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होम कंपोनेंट कहीं भी कॉल करा सकते हैं, कोई अनदर कंपोनेंट भी आप किसी कंपोनेंट पे भी इस तरीके से कॉल करा सकते हैं। ये बताना था सिलेक्टर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले एक छोटा सा हमने इमेज बना के रखा है और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ डेटा बाइंडिंग होता क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा बाइंडिंग लिखा है और ये डेटा बाइंडिंग के लिए एक छोटा सा इमेज हमने निकाल के रखा है और इस इमेज पे आपको समझाने वाले हैं डेटा बाइंडिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा बाइंडिंग समझने से पहले ये जान लेते हैं डेटा बाइंडिंग का पूरा डिफिनेशन क्या होता है अपनी भाषा में और एकदम रियल वर्ल्ड में। तो देखो ये हुआ कंपोनेंट और ये हुआ व्यू। व्यू मतलब टेम्पलेट। जो कंपोनेंट टू व्यू और व्यू टू कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन जनरेट करता है, लॉजिक को इंटरेक्शन जनरेट करता है। जो हमारे कंपोनेंट टीएस फाइल में मेथड लिखे होते हैं उसमें इंटरेक्शन जनरेट करता है, उसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो चलो एकदम सिंपल भाषा में कंपोनेंट टू व्यू एंड व्यू टू कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन बनाता है उसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। ये सिंपल रहा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम इजी और एकदम सिंपल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेटा बाइंडिंग बेसिकली यहाँ पर हम डेटा बाइंडिंग को चार भागों में डिवाइड करके रखे हैं। चार भाग में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि पहला जो होता है हमारा इंटरपोलेशन होता है, ये भी हमारा व्यू टू कंपोनेंट एंड कंपोनेंट टू व्यू इंटरेक्शन जनरेट करता है, ये भी एक तरीके का डेटा बाइंडिंग है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जो हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग करता है कंपोनेंट टू व्यू इंटरेक्शन बनाता है और उसको डिस्प्ले कराता है, रेंडर कराता है, वो होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। टेम्पलेट टू कंपोनेंट पे जो इंटरेक्शन बनाता है उसको बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग, जैसे क्लिक इवेंट, ऑन चेंज इवेंट, ऑन ओवर इवेंट, ठीक है। एंड लास्ट जो कंपोनेंट व्यू एंड व्यू टू कंपोनेंट जनरेट करता है इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। two-way data binding is the most important data binding in our Angular application। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा एंगुलर में। तो इस सारी चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो थोड़ा थोड़ा सा हम डेमो देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, इवेंट बाइंडिंग क्या होता है एंड two-way data binding क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम छोटा सा एक चीज़ बता दूं। यहाँ पे एरो देखो कैसे बना है, इधर से इस साइड बना है, मतलब कंपोनेंट टू व्यू इंटरेक्शन बनाता है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी कंपोनेंट टू व्यू इंटरेक्शन बनाता है, लेकिन इवेंट बाइंडिंग में टेम्पलेट टू कंपोनेंट इंटरेक्शन बनाता है। और जो टू वे डेटा बाइंडिंग है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन बनाते हैं वो होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं और प्रैक्टिकल करके सीखते हैं कि क्या होता है डेटा बाइंडिंग और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इन चारों को मैं डिफाइन करके बताने वाला हूँ, चारों को प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरपोलेशन के बारे में। इंटरपोलेशन क्या होता है, तो इंटरपोलेशन हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ऐप कंपोनेंट .ts पर आते हैं और यहाँ पर मैं पेज टाइटल को मैं स्ट्रिंग टाइप का रखता हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप बताता हूँ और स्ट्रिंग टाइप पे मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर एप्लीकेशन। मैं डेटा बाइंडिंग अपने एंगुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपने ऐप कंपोनेंट .html पर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा। इंटरपोलेशन कैसे होता है, डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर हम पेज टाइटल पेस्ट करके सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या दिखता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर एप्लीकेशन में हम इस तरीके से डेटा बाइंडिंग यूज़ करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया। कंपोनेंट था, कंपोनेंट से हमने HTML पे क्या डाला, वेरिएबल डाला। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं अपना एक इमेज यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। तो मैं इमेज के लिए मैं सिंपल सा अपना एक इमेज ले लेता हूँ। ये हमारा इमेज है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी किया, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्यूटोरियल के अंदर डालता हूँ। तो ट्यूटोरियल हमारा कहाँ पर है, प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर एंगुलर ट्यूटोरियल फॉर प्योर बिगिनर। और यहाँ पर मैंने SRC के अंदर एसेट्स के अंदर अपना ये फ़ोटो मैं रख देता हूँ, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अननेम्ड है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आशीष और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ करेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन दोनों सेम वर्क करता है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिलहाल इस होम कंपोनेंट को मैं हटाता हूँ यहाँ से और सेव करता हूँ। अभी हमारा सिर्फ पेज पे क्या दिख रहा होगा, डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल लेने वाले हैं फिर से और उसका नाम मैं दूंगा इमेज URL। इमेज URL पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इमेज का पाथ देने वाला हूँ और पाथ में एसेट स्लैश यहाँ पर क्या है आशीष.jpg। मैं आशीष.jpg सेव करता हूँ और इस इमेज URL को मैं यूज़ करने वाला हूँ थ्रू द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, तो मैं अपने HTML पे आता हूँ और यहाँ पर अगेन img src, ये देखो मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा इमेज URL और इसको सेव कर दूंगा। अब चेक करता हूँ कि हमारा इमेज दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इमेज हमारा नहीं दिख रहा, इसका मतलब इमेज का लोकेशन या पाथ कुछ गड़बड़ है, इस वजह से नहीं दिख रहा। सिंपल सी बात है। एसेट्स की स्पेलिंग देख लेता हूँ सही है कि नहीं। इसको पहले यहाँ पे ऐसे करता हूँ ASSETS। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत है, एसेट अब से सही है। अब इसको सेव करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ हमारा इमेज दिख रहा है परफेक्ट। यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है पर इसकी हाइट एंड विड्थ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं इसको सेट करता हूँ अपने HTML से जाके। तो यहाँ पे मैं सिंपली दे दूँगा हाइट 150px एंड ऑल्सो विड्थ इज 150px। तो ये बहुत सिंपल है और सेव कर दिया। अब चेक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारी इमेज दिख रही है थ्रू द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब इसी तरीके से मैं एक इंटरपोलेशन भी यूज़ कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इसी इमेज टैग पे ही मैं इसको सेव कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ SRC को और यहाँ पर सिंपली मैं एज ए करली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब चेक करता हूँ यूज़ होता है, दिखता ही, ये देखो सेम दिख रहा है मुझे और बहुत अच्छा, बहुत कूल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार सा प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन दोनों यूज हो रहा है। अब तीसरा है इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग भी चलिए आपको यूज करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, पहले यहाँ एक br टैग लेता हूँ, ब्रेक द लाइन, एंड यहाँ पर एक बटन लेता हूँ और इस बटन को देता हूँ क्लिक में, मैंने यहाँ दिया क्लिक में, सेव किया और इस पर इसका मेथड मैं डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं हेलो नाम से एक मेथड बनाया और यहाँ पर मैं मेथड दे रहा हूँ अलर्ट और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ यू क्लिक्ड मी और सेव करा देता हूँ। इस मेथड को हम क्या करेंगे, थ्रू द इवेंट बाइंडिंग कॉल करेंगे। इवेंट बाइंडिंग कैसे होता है, हम यहाँ पर एक क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे click इज इक्वल और हेलो मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये टेम्पलेट टू कंपोनेंट पे इंटरेक्ट कर रहा है। ये हमारा टेम्पलेट है HTML का और यहाँ से कंपोनेंट पे इंटरेक्शन बनाएगा। अब सेव करते हैं और एक बार अपने ब्राउजर पे आते हैं। यहाँ आप देखो क्लिक मी लिखा है और जैसे यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिखा रहा है यू क्लिक्ड मी, मतलब आपने मुझे क्लिक किया। तो अभी क्या हुआ कि टेम्पलेट टू कंपोनेंट पे इंटरेक्शन बना। तो ये हो गया हमारा इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर तीन बाइंडिंग देखो मैं बता दिया हूँ, इंटरपोलेशन बताया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग बताया और इवेंट बाइंडिंग बताया। एंड द लास्ट नाउ हम बताने वाले हैं कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बनाता है कंपोनेंट टू व्यू एंड व्यू टू कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड टू वे डेटा बाइंडिंग। तो चलो अब उसको देखते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे यूज़ करते हैं। सो टू वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करने के लिए हम फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को चलो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, फिलहाल इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम कमेंट आउट करते हैं। सो नाउ इसको मैं कमेंट आउट किया और यहाँ पर भी मैंने एक br टैग यूज़ कर लिया जिससे कि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए और क्लियर दिखे। लेट मी चेक 1 सेकेंड, ओके परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर पहले ऐप module.ts पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करता हूँ। तो फॉर्म्स मॉड्यूल आपको इम्पोर्ट पे रखना है, हमेशा फॉर्म्स मॉड्यूल इम्पोर्ट पे ही रहता है, फॉर्म्स मॉड्यूल। और जैसे ही फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ लिखेंगे आप तो यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो जाएगा। ये किसकी लाइब्रेरी है, एंगुलर फॉर्म्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इम्पोर्ट करली ब्रैकेट के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम @ एंगुलर /फॉर्म्स। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब यहाँ पे मैं अपने फिर से HTML पे आता हूँ और यहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करने वाला हूँ। टू वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑन रन टाइम पे और ऑन कोड टाइम पे चेंजेस होते रहेंगे कंपोनेंट टू व्यू एंड व्यू टू कंपोनेंट। कैसे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, एक इनपुट टैग लेना है। मैंने यहाँ पे इनपुट टैग लिया, टाइप इसका दे देता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ बनाना ब्रैकेट में ng मॉडल = यूज़र नेम। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ मैं S3 पे इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा और यहाँ पर यूज़ करूँगा वेलकम टू यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम तो हमारा है नहीं, तो इसको मैं बना देता हूँ अपने TS फाइल पे और यहाँ पर TS फाइल पे आता हूँ। इस पर मैंने एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। अब सेव करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा एक इनपुट बॉक्स है। 1 सेकेंड, br टैग हमारा वर्क नहीं कर रहा, क्या आई थी। सो HTML पे आता हूँ और यहाँ पर br टैग है तो 1 मोर सेव कर लेता हूँ। आई थिंक अगर आपको ना दिख रहा हो तो अब दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा एक इनपुट फील्ड है और यहाँ लिखा है वेलकम टू। यहाँ पे जैसे मैं जो भी नाम लिखूंगा वो नाम यहाँ पे हमारा रेंडर होगा। कैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो आशीष मिश्रा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आशीष मिश्रा वैसे यहाँ पे लिखता है वेलकम टू आशीष मिश्रा। इन केस मैं इसको हटा के लिखता हूँ टेस्टी कोडीज। देखो यहाँ पे वेलकम टू टेस्टी कोडीज लिख जा रहा है। मतलब बहुत सिंपल और बहुत ईजी है टू वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करना। और यहाँ पे हमारा इवेंट बाइंडिंग भी यूज़ हो रहा है यू क्लिक्ड मी। और यहाँ पर हमारा डेटा बाइंडिंग के बारे में लिखा ही है, मैंने इंटरपोलेशन कराया हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी डाउट हो रहा तो आप हमें मैसेज में दे सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। सो गाइज, जैसा कि मैं बोला था कि एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता चलूँगा, एक चीज़ मैं समझाता चलूँगा। तो पिछले वीडियो हमने कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। तो कंपोनेंट्स जैसे ही आता है तो हमें कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लाइक @ कंपोनेंट के अंदर हमारा सिलेक्टर्स आते हैं, टेम्पलेट URL आता है और स्टाइल यूआरएल्स आते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज समझेंगे। तो आज का वीडियो रहेगा टेम्पलेट वर्सेस टेम्पलेट यूआरएल, क्योंकि हम आपको इसमें दो तरीका बताएंगे यूज़ करने का। HTML हमेशा TS फाइल पे भी यूज़ कर सकते हो और जो इसकी एक्सटर्नल फाइल है .html पे उस पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर हम TS वाली फाइल में HTML लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट के थ्रू हम अपना HTML कोड कर रहे हैं, और अगर हम एक्सटर्नल फाइल इट मीन्स app.component.html पे वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि टेम्पलेट URL के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। अब इसको चलो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं होता क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं और समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग फ्लो क्या है। तो जैसे ही हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो आप सभी को पता है कि चार फाइलें जनरेट होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में एक कंपोनेंट बनाया था होम नाम का, तो अभी मैं होम पे ही वर्क करूंगा। मैं होम पे नहीं वर्क करूंगा, सॉरी, मैं ऐप कंपोनेंट पे वर्क करूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं अपने ऐप component.ts पर आता हूं और यहाँ आपको दिखेगा कंपोनेंट, और यहाँ पे एक है सिलेक्टर, दूसरा है टेम्पलेट यूआरएल और तीसरा है स्टाइल्ड यूआरएल, मतलब स्टाइल यूआरएल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले सिलेक्टर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपोनेंट आप जनरेट करते हो तो उसका एक यूनिक सिलेक्टर्स बनते हैं जिसको हम एज ए एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू हम डिनोट करके किसी भी अनदर कंपोनेंट पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, अभी मैं इस पे वर्क करने वाला हूं। तो पहले ऐप component.html को कम्प्लीटली रिमूव करूंगा, तो Ctrl A प्रेस करके इसको रिमूव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अभी हमारा ऐप component.html पे कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक है, और आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ब्लैंक है एकदम हमारा ऐप component.html। तो सबसे पहले हम आते हैं TS पे और यहाँ सिलेक्टर समझते हैं। सिलेक्टर आप है क्या चीज़? सिलेक्टर बहुत सिंपल थिंग्स है। आप ये एक तरीके का समझ लो, एक तरीके का क्लास बन जाता है, एट्रीब्यूट बन जाता है, जिसके थ्रू हम कहीं भी किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं इस पेज में। अब जैसे यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ऐप हाइफन रूट है, ठीक है। ऐप हाइफन रूट कहाँ यूज किया गया है? हमारे index.html में ऐप हाइफन रूट। अभी इस रूट को मैं कर देता हूँ 1, और उसके बाद देखो अभी कितना प्यारा सा एरर जनरेट हो जाएगा। सेव किया और यहाँ पर आया, यहाँ पे हमारा अभी बिल्ड नहीं हुआ शायद, आई थिंक, और हो भी गया हो तो कोई इशू नहीं है। लेट मी चेक, इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, कंसोल पे आता हूँ। अभी देखो कंसोल पे हमारा एरर कितना गंदा दिख रहा है। दिस सिलेक्टर ऐप रूट डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट में ये ऐप रूट मैच नहीं कर रहा। तो इसको पहले एग्जैक्टली चाहिए जो चीज़ वहाँ पर है। तो मैं चलो आपको थोड़ा चेंजेस करके दिखाता हूँ। अपने ऐप component.ts पे आता हूँ और सिलेक्टर पर यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। क्या अभी वर्क करेगा? लेट मी चेक। तो यहाँ पे अब हमारा वर्क करने लगा, देखो कोई एरर नहीं, एरर दूर हो गया। तो इस तरीके से हमारा कुछ सिलेक्टर वर्क करता है। मैं सिंपल से एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ध्यान से समझोगे तो सब चीज़ समझ में आता जाएगा। अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली कर देता हूँ जैसे जो था, मैं इसको सेव करता हूँ और अपने index.html पे आता हूँ, इसको भी एज दिस सेम सेव कर देता हूँ। परफेक्ट। नाउ अब बात आती है हमारे टेम्पलेट की। तो मैंने क्या बोला था, मैं टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल दोनों बताऊंगा। तो चलो थोड़ा सा टेम्पलेट के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो है हमारा टेम्पलेट का एग्जांपल है। टेम्पलेट वाले में आपको इसको मैंने हटा देता हूँ पहले, और इसको भी हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ इतने कोड का काम है। देखिए यहाँ पर टेम्पलेट, सिर्फ अगर टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम बैकटिक सिंबल का यूज़ करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकटिक सिंबल से ही यूज़ करके हम HTML कोड लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आपको जिसमें समझ में आता हो। और मैं आपको बता दूं, जब आप React.js पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसी तरीके से कोड लिखा जाता है, ज़्यादातर टेम्पलेट फॉर्म में लिखा जाता है। टेम्पलेट URL वहाँ पे आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप कैसा कोड करना चाहते हैं वो आपको चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंगल बैकटिक सिंबल है, बैकटिक सिंबल हमारा ECMA 2015 का ट्रिक है। ECMA 2015 का में यूज होता था बैकटिक सिंबल। तो चलो इसका थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ, तो अब आपको समझ में आएगा। और मैं आपको इसी टाइम पे बता दूँ, टेम्पलेट यूआरएल जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं इस समय है हमारा, वो है टेम्पलेट यूआरएल। यहाँ पे एज ए यूआरएल पास होता है एक्सटर्नल फाइल की, और यहाँ पे भी स्टाइल CSS पे भी देखो एज ए यूआरएल पास हुआ है हमारा। किस पे? एक्सटर्नल फाइल का यूआरएल यहाँ पे पास किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल है, मैं इसको टेम्पलेट करता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंगल कोट, सबसे पहले मैं सिंगल कोट बताऊंगा, आपसे बोला था ना सिंगल कोट, डबल कोट एंड बैकटिक, आपको तीनों का मतलब समझाऊंगा कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। तो पहले सिंगल कोट पे मैं वर्क करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं H1 H2 एंगुलर 11 ट्यूटोरियल बाय टेस्टी कोडीज। ओके नाउ इट्स गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, सेव कर दिया, अभी देखो एरर कोई नहीं है और मैं रन कराया और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, एंगुलर 11 ट्यूटोरियल बाय टेस्टी कोडीज आपको दिख रहा है, एकदम सिंपल सा। ये हमारा सिंगल कोड था, डबल कोड यूज करते हैं, यहां पर हम डबल कोड यूज किए और यहां पर भी मैं डबल कोड यूज कर रहा हूं। सेव किया, अगेन फिर से एक बार रन कराता हूं, अभी भी कोई एरर नहीं, एकदम परफेक्ट, क्योंकि मैं कंसोल भी ओपन करके रखा हूं और अपना डिस्प्ले पॉइंट बॉडी सेक्शन भी ओपन करके रखा हूं। आपको कोई एरर होगी तो आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक। सिंगल कोट वर्क किया, डबल कोट वर्क किया। अब सोचिए कि जब सिंगल कोट डबल कोट था तो बैक्टिक सैम्बल का यूज क्यों, मतलब क्यों हम यूज करें बैक्टिक सैम्बल, क्योंकि बैक्टिक सैम्बल हम शिफ्ट के साथ टिल्ड बटन प्रेस करते हैं तब बैक्टिक सैम्बल आता है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। सिंगल कोड जब भी हम यूज करेंगे तो हम मल्टीपल लाइन कोड नहीं कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन सेकेंड। पहले तो यहाँ पे मुझे H2 क्लोज करना था। हाँ, टेम्पलेट का जो सीन है, टेम्पलेट का बहुत सारे ड्रॉबैक है, इस वजह से टेम्पलेट बहुत ज़्यादा एंगुलर यूज नहीं किया, एंगुलर इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया। ऐसा क्या ड्रॉबैक है दिखाता हूँ। अब सपोज मुझे मल्टीपल लाइन लिखना था, अब हमें लिखना था, अब एंटर कर देता हूँ, मुझे लिखना था H1 में आशीष, ए टैग पे लिखना था आशीष। लो एरर पहले ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। आपको कोडिंग टाइम पे एरर दे देगा क्योंकि मल्टीपल लाइन का कोड आप कर ही नहीं सकते हो डबल कोड में, और आफ्टरऑल सिंगल कोड पे भी डबल लाइन का कोड नहीं लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल लाइन कोड नहीं लिख सकते हो, ना सिंगल कोड में ना डबल कोड में। तो इसके लिए क्या आया, हमारा बैक्टिक सिंबल आया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल से ए के बाद देता हूँ HREF हाइपर रेफरेंस और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आशीष, सिंपल सा, ठीक है। इसको वर्क करना चाहिए बट नहीं कर रहा। चलो मैं यहाँ पे वो टिल्ड बट बैकटिक सिंबल लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं बैकटिक लगाया और यहाँ पे भी मैं बैकटिक लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो एरर दूर हो गया। अब मैं इसको सेव करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये एकदम बढ़िया सा वर्क करेगा जैसे वर्क करना चाहिए। सेव किया, ये देखो यहाँ पे आशीष बड़ा से लिख के आ रहा है और यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे आपको यूआरएल भी दिख रहा होगा आशीष, ठीक है। एकदम सिंपल सा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है समझने का, टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट का सीन, टेम्पलेट। अब इसका और थोड़ा सा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूँ, तो मैं टेम्पलेट यूआरएल के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दूंगा। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इसके पास ऑटो इंटेलिजेंस नहीं है। ऑटो इंटेलिजेंस मतलब अगर मैं H2 लिखा तो H2 को मुझे अपने हैंड ऑन टेस्ट से ही लिखना पड़ेगा पूरा, ऐसा नहीं कि कोई आपको सजेशन देगा। अभी आप एक्सटर्नल फाइल पे वर्क करेंगे HTML पे, तो वहाँ पे बहुत सारे सजेशन आते हैं, उसका प्रॉपर एक आता है फॉर्मेट बना आता है HTML का, कैसे आपको राइट करना है, कैसे लिखना है। पर यहाँ पे कोई सीन ऐसा नहीं है, आपको जो भी करना है खुद से करना है, ऑन राइट करना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेम्पलेट का, ठीक है। और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको एरर हो जाएगी तो समझ में जल्दी नहीं आएगा, ढूंढते रहोगे कहाँ एरर है कहाँ एरर है। तो इसलिए लोग टेम्पलेट नहीं यूज करते हैं। अब टेम्पलेट यूआरएल कैसे वर्क करता है, लेट मी शो यू। मैं इसको बैक पूरा अंडू कर रहा हूँ, अंडू मीन्स मैं पूरा का पूरा जैसे पहले था एज दिस वैसे कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा जैसे पहले था वैसे हो गया। अब मैं सेव करता हूँ, अब हमारा कहीं कोई कोड कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक हो गया। अब मैं चलो टेम्पलेट यूआरएल वाली फाइल पे लिख के दिखाता हूँ। ये हमारा HTML की फाइल जो app.component.html है, ये यूआरएल इसका यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा H1 बोलता हूँ, लिख उठता है H2, यार कमाल है। एंगुलर 11 ट्यूटोरियल विथ टेस्टी कोडीज, ठीक है, सिंपल सा लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखो हमारा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सेम एज दिस वर्क कर रहा है जैसे हमारा वर्क करना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल होता क्या है, डिफरेंट बिटवीन टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल। आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछता है कि टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए घबराइएगा नहीं, एकदम इजी तरीके से आंसर दीजिएगा। ओके, तो एकदम सिंपल है ये सारी चीज़ें। समझना कि टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल क्या है। और ये टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल मुझे समझाने का यह पर्पस था क्योंकि मैंने कंपोनेंट बता चुका हूं ऑलरेडी। तो कंपोनेंट के सेक्शन पे हमारा ये सारी चीजें आती है। ये देखो आपको कंपोनेंट दिख रहा होगा @ कंपोनेंट डायरेक्टिव। अब इसके अंदर हमारा सारा चीज दिख रहा है कि स्टाइल यूआरएल ये क्या है। अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये टेम्पलेट यूआरएल क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिलेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिलेक्टर अपना खुद का आप बना सकते हो। अगर जो प्री डिफाइंड जनरेट होता है उस पर चेंजेस करके आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही चीज़ एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया हूँ। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी इश्यू आ रहा है तो भी आप हमें बता सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए यार। आप किसी भी समय हमें मैसेज दे सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर मान लो मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ तो टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और जितना ज़्यादा हो सके यार शेयर कर दो वीडियो, जिससे कि और भी लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। डायरेक्टली कंपोनेंट बता देंगे जनरेट करना, फिर आगे डेटा बाइंडिंग बता देंगे, वन वे बाइंडिंग बता, ये सब बताना शुरू करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताया जाता और बाद में आप फंस जाते हैं और आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर 11 डायरेक्टिव। जैसा कि हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है, हमने बोला था कि एक एक चीज़ मैं कवर करूंगा, तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टिव देखने वाले हैं। तो डायरेक्टिव में सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारी आती है व्हाट इज़ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो डायरेक्टिव एकदम सिंपल भाषा में हम जैसे हम और आप समझ सकते हैं उस भाषा में हम समझाना चाहेंगे। डायरेक्टिव इज़ एंगुलर इज ए जेएस क्लास। डायरेक्टिव्स होते हैं एंगुलर की जेएस क्लास है विच इज़ डिक्लेयर्ड एज @ डायरेक्टिव, जो @ डायरेक्टिव करके डिक्लेयर होता है। वी हैव 3 डायरेक्टिव इन एंगुलर। हमारे डायरेक्टिव में 3 टाइप्स के डायरेक्टिव होते हैं, वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव वी कैन मैनिपुलेट आवर डॉम लेआउट। डॉम लेआउट मतलब आप समझ सकते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम डायरेक्टिव के हेल्प से अपने डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में मतलब चेंज कर सकते हैं और बिना उसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी जाने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है ड्यू, यहाँ पर ड्यू हिडन और यहाँ पर ड्यू क्लोज है। ये हिडन जो है, हिडन हमारा डायरेक्टिव है। ठीक है, ये हिडन और ये हिडन दोनों हमारा डायरेक्टिव है इसमें। वेल इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें आप समझ जाएंगे क्या होता है डायरेक्टिव। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है टाइप ऑफ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव के कितने टाइप्स के हैं तो हमने डिफाइन किया है डायरेक्टिव्स इन एंगुलर 11। आपको यहाँ दिख रहा होगा डायरेक्टिव इन एंगुलर 11। तो पहला जो है हमारा कंपोनेंट है, दूसरा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है एंड तीसरा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। तो तीनों को अलग अलग तरीके से हम जानते हैं। पहला कंपोनेंट डायरेक्टिव होता है, दूसरा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है एंड तीसरा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अब इन तीनों का अलग अलग सीन होता है, सब अपना वर्क करने का, यूज़ करने का। तो पहले वाले सिंटैक्स के लिए हम यूज़ करते हैं @ कंपोनेंट्स। @ कंपोनेंट्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं पहले डायरेक्टिव को, कंपोनेंट्स डायरेक्टिव को। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं एनजी स्टाइल या एनजी क्लास। एनजी स्टाइल और एनजी क्लास के बारे में इस तीनों डायरेक्टिव को अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम और डिस्क्राइब करेंगे। एंड द लास्ट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनजी इफ # एनजी फॉर # एनजी स्विच। इन तीनों को अभी और आगे देखते हैं ब्रीफ में। पहला है कंपोनेंट डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव के लिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा बना बनाया कोड लिखे हैं और इस कंपोनेंट डायरेक्टिव पे हम यूज़ करते हैं पहले इंपोर्ट करके। कोई भी क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टिव नेम से, उसके बाद ये हमारा वर्क होता है कुछ ऐसे इतने सेक्शन पे। तो यहाँ पर क्या होता है सिलेक्टर होता है टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल पे हम यूआरएल का पाथ देते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। स्टाइल यूआरएल पे भी हम स्टाइल सीट का पाथ देते हैं। उसी तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं सिलेक्टर को एज ए टैग के फॉर्मेट में अपने कंपोनेंट पे जहाँ पे हम यूज़ करना चाहें। लाइक ऐप रूट, यहाँ पे ऐप रूट हमारा सिलेक्टर है तो ऐप रूट को हम यहाँ क्या कर सकते हैं एज ए एचटीएमएल फॉर्म में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा कंपोनेंट डायरेक्टिव। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप इसके लिए परेशान मत होना। बस ये पूछा जाएगा कि डायरेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको बताना है 3 टाइप के। कंपोनेंट डायरेक्टिव से क्वेश्चन नहीं बनता है। सेकेंड आता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता क्या है बेसिकली, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को हमने 3 भाग में डिफाइन किया है। सबसे पहला है हमारा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव डील विथ चेंजिंग द लुक एंड बिहेवियर ऑफ द डॉम ऑब्जेक्ट या डॉम एलिमेंट। ठीक है। ये क्या करता है, ये डील करता है हमारे एंगुलर के साथ। कोई भी लुक एंड बिहेवियर, लुक एंड फील को चेंज करने के लिए डॉम एलिमेंट का यूज़ करता है क्या, हमारा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सेकेंड पॉइंट है यू कैन क्रिएट योर ओन डायरेक्टिव एज शोन बिलो। मैंने नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, आप कोई भी अपने नाम का, खुद के नाम का डायरेक्टिव बना सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एंड द लास्ट है यहाँ पर वी यूज़ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव टू अप्लाई कंडीशन स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं स्टाइल और एलिमेंट्स को कंडीशनली चेंज करने के लिए। कंडीशन लिखा है ना यहाँ पर, कंडीशनली चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमने डिफाइन भी किया हूँ, शो और हाइड एलिमेंट और डायनेमिकली चेंज बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू ए चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हाइड, शो एलिमेंट करने के लिए, हाइड करने के लिए एलिमेंट को, शो करने के लिए एलिमेंट को, डायनेमिकली चेंज करने के लिए एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का। और वो किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल में हम लिखे हैं एनजी स्टाइल एंड एनजी क्लास। तो इन एनजी स्टाइल और एनजी क्लास के थ्रू हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज़ कर लेते हैं। एंड द लास्ट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के बारे में हम खूब अच्छे से जानते हैं, अगर आपने एंगुलर का यूज़ किया है, हमारे प्रोजेक्ट को यूज़ किया है तो आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव खूब अच्छे से जानते होंगे। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिफाइन किया हूँ, ए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बेसिकली डील विथ मैनिपुलेटिंग द डॉम एलिमेंट। डॉम एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए डील किया जाता है बेसिकली स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हैज़ एस्टिक साइन बिफोर द डायरेक्टिव। आप लोग जान लीजिए, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करने से पहले एस्टिक साइन या एस्टिक सिंबल आपको दिखेगा। एस्टिक मतलब स्टार, जो यहाँ रेड कलर से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिख रखा हूँ एन जी इफ़, यहाँ पे है एन जी इफ़, एन जी स्विच एंड एन जी फॉर। अब आपको थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, आपके कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। जब आप सी लैंग्वेज सीखे होंगे तो वहाँ पे इफ़, एल्स वगैरह पढ़े होंगे, स्विच पढ़े होंगे, फॉर लूप पढ़े होंगे। तो ये सारे लूप और कंडीशन जो होते हैं वो हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में एज ए यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को। थोड़ा सा हम उसको यूज़ करने का फॉर्मूला, यहाँ सिंटैक्स, एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सभी का सिंटैक्स अलग होता है, ठीक है। सबका अपना अपना सिंटैक्स पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर सिंटैक्स एस्टिक एन जी इफ़, एस्टिक एन जी स्विच और एस्टिक एन जी फॉर हम यूज़ करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर एलिमेंट इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन आप लोग जानते होंगे, फैमिलियर होंगे अगर आप एंगुलर पढ़ रहे हैं तो, नहीं जानते होंगे तो कम से कम नाम तो सुना ही होगा कि इंटरपोलेशन होता क्या है। वेल अगर तो वो भी नहीं जानते तो भी मैं बता देता हूँ। पिछले वीडियो हमने डेटा बाइंडिंग की बात की थी, उस डेटा बाइंडिंग में थोड़ा सा मैंने इंटरपोलेशन का जिक्र किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये बेहतर समझ में आए इंटरपोलेशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज इंटरपोलेशन, तो आपको जवाब देना है इंटरपोलेशन इज द वन वे डेटा बाइंडिंग टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट टू एचटीएमएल टेम्पलेट व्यू। एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल वर्ड में मैंने बताया हूँ कि एचटीएमएल इंटरपोलेशन वो होता है जब भी हम कोई टीएस फाइल का डेटा अपने एचटीएमएल पे दिखाना चाहते हैं, उसके लिए वन वे डेटा बाइंडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, उसी टेक्निक को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन पे आपको ये बोलना है एंड वी कैन आल्सो यूज द सिंटैक्स ऑफ इंटरपोलेशन, डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके हम इसका सिंटैक्स यूज करते हैं। उसके अंदर जो भी वेरिएबल डालते हैं वो वेरिएबल हमारा डिस्प्ले होता है। अब इसी को हम प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो हमें कमेंट में जरूर दे, और हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ के वहाँ से भी आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है एंगुलर में, स्पेशली एंगुलर में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं एक एग्जांपल करके कि इंटरपोलेशन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस पे हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे हूँ। वेल हमें काम सिर्फ एचटीएमएल और टीएस फाइल का है, तो मैं यही दो फाइल को यहाँ पे रखता हूँ। अभी यहाँ पे देख लीजिए एकदम फ्रेश फाइल है, यहाँ पर हमने इसमें कुछ भी लिख नहीं रखा हूँ। और यहाँ HTML पे मैंने सिर्फ एक H2 टैग लगाया हूँ और जिसमें मैंने लिखा हूँ एंगुलर 11 इंटरपोलेशन एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ लिख रखा हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इंटरपोलेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। इंटरपोलेशन एग्जाम्पल के लिए हम TS पे आते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। चलो वेरिएबल क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, और नेम को मैं डेटा टाइप भी बता देता हूँ कि डेटा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो मेरा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देता हूँ कि इसका मतलब है आशीष मिश्रा। ओके फाइन, नाउ इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मुझे इसको यूज़ करना है। अब समझिएगा इसको यूज़ करने के लिए कैसे करना पड़ेगा। तो ये जो आपका नेम है, ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल नेम हमारा नेम है, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और इसमें वैल्यू क्या है, आशीष मिश्रा है। अब हमें इस नेम को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम अपने HTML पे आते हैं और यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन मीन्स वन वे डेटा बाइंडिंग टेक्निक। वन वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करने के लिए क्या सिंटैक्स है, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं H3 करता हूँ यहाँ पर, और डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा, और इस पर मैं सिंपली देता हूँ नेम और सेव कर देता हूँ। और सेव करके चेक करता हूँ कि वर्क करता है कि नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करके रन किया प्रोजेक्ट को, यहाँ पे देख रहा है आशीष मिश्रा मेरा नाम यहाँ पे साफ साफ रेंडर हो रहा है। तो ये है इंटरपोलेशन यूज़ करने का टेक्निक। अब हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से मन नहीं भरता हमारा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे हम, क्योंकि एरे भी प्रिंट करा सकता हूँ भाई इंटरपोलेशन में। तो मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ डेटा, और डेटा को मैं देता हूँ एनी टाइप का डेटा हो, मतलब कुछ भी डेटा हो सकता है डेटा टाइप पे। और यहाँ पर मैं एक एरे लेता हूँ, एरे में मैं यहाँ पास करता हूँ आशु कॉमा टेस्टी कोडीज कॉमा अभी कॉमा अनुभव। ठीक है, मैंने इतना डेटा मैंने यहाँ पे ले रखा हूँ। सिंपल सा इस पर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को हमने बताया कि किसी भी टाइप का डेटा हो, एनी डेटा टाइप है। यहाँ पे एंगुलर में डेटा टाइप एनी टाइप का भी डेटा टाइप होता है। उसके अंदर मैंने एक एरे पास किया, एरे में 4 डेटा है और इस डेटा को मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। देखता हूँ प्रिंट होता है कि नहीं। सिंपल सा जैसे मैंने नेम के लिए किया वैसे ये भी करूँगा। तो मैं इसको सिंपली यहाँ कॉपी करता हूँ और अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आता हूँ, और यहाँ पर एक BR टैग लगाता हूँ। और BR टैग लगाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं H2 टैग लेता हूँ। H2 टैग ग्रीन कलर से रहेगा जिससे कि आपको दिख जाए, और डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैंने डेटा पास किया, सेव कर दिया। सेव करके अब आता हूँ यहाँ पे, ये देखो आपको दिख रहा होगा आशु टेस्टी कोडीज अभी अनुभव। ठीक है, इस तरीके से हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। आई होप कि ये चीज़ एकदम जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिंपलेस्ट बना के मैंने समझाया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर 11 प्रॉपर्टी बाइंडिंग एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एक एग्जाम्पल करके सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग काइंडली देख लीजिए, जिससे कि आपको बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि वो भी बाइंडिंग का एक पार्ट है। तो आपको अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन समझ में आएगा तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी समझ में आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे वीडियोस मिल जाएगा, आप वहां पे जाके आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल में आता हूँ, और टाइप स्क्रिप्ट और HTML 2 ही फाइल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, क्योंकि हमारा सारा बाइंडिंग का खेल इसी दोनों कंपोनेंट में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनीशन मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज आल्सो वन वे डेटा बाइंडिंग टेक्निक। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज द वन वे डेटा बाइंडिंग टेक्निक, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, इसमें लेकिन आल्सो ऐड किया हूँ, मतलब ये भी हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग है। तो अगर कोई पूछे तो आप बोल देना प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज आल्सो वन वे डेटा बाइंडिंग टेक्निक। अब इसमें चेंजेस क्या है तो आप ये समझ लीजिए, वी बाइंड द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो वी बाइंड द प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टी को बाइंड करते हैं जो डॉम एलिमेंट, जिस फील्ड का डॉम एलिमेंट हम चेंज करना चाहें। और वो डॉम एलिमेंट हमें मिलेगा कहाँ, ये टाइप स्क्रिप्ट में हमको मिलेगा। टाइप स्क्रिप्ट के कंपोनेंट पे जो डॉम एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी को हम बाइंड करते हैं कहाँ पर, अपने HTML पे। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि We bind the property of DOM element to find which defined property in our component. हमारे जो कंपोनेंट पे डिफाइन किया गया होता है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम डॉम एलिमेंट के थ्रू बाइंड कर देते हैं। और कहाँ पे कोड रहेगा, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में, ठीक है। और इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, जिसको हम अपनी भाषा में बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। बड़ा ब्रैकेट मतलब कि बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, कुछ ऐसे होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। और ये हुआ छोटा सा डिफिनीशन। अब चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए काइंडली, क्योंकि आपको यहाँ पे एंगुलर से रिलेटेड सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अब तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इसको बना रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज, HTML, CSS सारी चीज़ें कुछ ही दिनों में अवेलेबल होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, और वो भी हिंदी में और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए कोई चार्ज नहीं। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आपका चार्ज लगेगा। मेंबरशिप आप यहाँ ज्वाइन बटन क्लिक करके ले सकते हैं। उसकी फीचर क्या होते हैं वो, उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा कि ज्वाइन करने से हमें क्या फीचर मिलेगा। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब है कि हम एक इमेज नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पूरा पुट करता हूं। इसका डेटा टाइप मैं दे रहा हूं स्ट्रिंग, और इसकी प्रॉपर्टी दे रहा हूं एसेट्स के अंदर आशीष.jpg। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आशीष.jpg कहाँ पा गए जो लिख दिए, ठीक है। लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए एसेट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक आशीष.jpg नाम का फाइल रखा हूँ जिसमें मेरी खुद की फोटोज हैं, ठीक है। तो ये फोटो अभी मैं रेंडर कराऊंगा थ्रू द प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और किसके थ्रू, डॉम एलिमेंट के थ्रू बाइंड करूंगा। तो चलिए, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल का डेटा टाइप बताया कि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी क्या दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं अपने HTML पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली सा क्या करूँगा, एक पहले सारी चीज़ को मैं नीचे कर देता हूँ जिससे कि आपको खिचड़ी जैसा दिखे ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर H2 डालता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं दोनों बाइंडिंग बता देता हूँ, पिछला भी कवर हो जाएगा जो जिसने नहीं पढ़ा होगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कवर हो जाएगा जो आज वीडियो देख रहे हैं। तो करली ब्रैकेट के साथ हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा डेटा, इसको मैं सेव कर दिया, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कमेंट आउट भी कर देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो कोई भी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। और अब इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करने वाला हूँ। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे इमेज SRC। SRC से पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए हमने क्या बोला था, कौन सा सिंटैक्स यूज करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ SRC, और इज इक्वल। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देता हूँ इमेज URL, और यहाँ पर इमेज URL तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मान लो इमेज आ जाएगा, लेकिन थोड़ा इमेज को छोटा भी कर देता हूँ क्योंकि इमेज बहुत बड़ी साइज में है। तो मैं यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट दे देता हूँ हाइट एंड विड्थ। सो लेट मी राइट हियर हाइट इज इक्वल 150 px एंड विड्थ इज आल्सो 150 px। सो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ा दिखेगा, कॉमन छोटा सा दिखना चाहिए क्योंकि 150 पिक्सल बहुत छोटा होता है। सो लेट मी सर्व माय प्रोजेक्ट एंड ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पे DAT डज नॉट एग्जिस्ट डेटा टाइप। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ एरर कर दिया, DAT लिखा हूँ डेटा जबकि है। यहाँ पे सेव करता हूँ और अगेन चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है। एकदम कूल और सिंपल तरीके से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा डेटा दिख रहा है एकदम साफ साफ, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन किया था। तो दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन दिख रहा है और यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग दिख रहा है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी सुटेबल रहा होगा क्योंकि इसमें दोनों चीज़ को मैंने कवर कर दिया, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड डेटा बाइंडिंग। तो अगर अभी भी कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बता दिया करिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पुट किया करिए अपना मैसेज। और सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर 11 इवेंट बाइंडिंग एग्जाम्पल। इवेंट बाइंडिंग होता क्या है, इवेंट बाइंडिंग को हम यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में आज ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। प्लीज़ अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, जिससे कि आप एंगुलर में बेटर रिस्पॉन्स फील करें। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ इवेंट बाइंडिंग होता क्या है। तो इवेंट बाइंडिंग का एक छोटा सा डिफिनेशन मैं बताना चाहूँगा। सिंपल भाषा में इवेंट बाइंडिंग इज यूज टू हैंडल द इवेंट राइज फ्रॉम द डॉम लाइक बटन क्लिक माउस ओवर एट्सेट्रा। बस यही सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन है। अब इसको अपनी भाषा में बोल दूँ कि इवेंट बाइंडिंग वो होता है जो हैंडल करता है कोई भी इवेंट को, लाइक डॉम एलिमेंट को हैंडल करता है जो डॉम के द्वारा राइज किया गया हुआ या डॉम के द्वारा बनाया गया इवेंट होता है, उसको हैंडल करता है। कैसे? जैसे कोई क्लिक बटन है, क्लिक बटन पे क्या होता है, डेटा सबमिट हो जाता है। तो क्लिक करने पे डेटा सबमिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लिक इवेंट है जो डॉम मैनिपुलेट करके इसको हैंडल करता है, वही होता है इवेंट बाइंडिंग। इसी तरीके से माउस ओवर करते हो, माउस स्क्रॉल डाउन आप लेफ्ट राइट करते हो तब भी यही एक्शन परफॉर्म होता है, या कोई ईएफ करते हो, की प्रेस करते हो, की होल्ड करते हो तब यूज होता है। तो ये सारे इवेंट्स बाइंडिंग में आते हैं। वेल, इवेंट बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। इवेंट बाइंडिंग सबसे बेस्ट थिंग है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करके सीखते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, इवेंट बाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर कर यहाँ पे 3 प्लान आपको दिखेंगे। इन तीनों प्लान में जो आपके बजट में हो चूज करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए अब अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर मैं टी एस फाइल पर आता हूँ, और टी एस फाइल पर यहाँ पर मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा। मेथड क्या होगा आप लोग देखिए, और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र्स, और यूज़र को पैरेंथेसिस देता हूँ, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ अलर्ट। और अलर्ट आप लोग जानते होंगे क्या है, अलर्ट मैसेज प्रिंट कराता है पॉपअप में, जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ जाओगे, इन सारी चीज़ों की धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डियर व्यूवर्स। ओके नाउ परफेक्ट, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिंपल से इतना मैंने किया, एक यूज़र नाम का मेथड बनाया। आप लोग देख लीजिए, मेथड जब भी बनता है मेथड के साथ पैरेंथेसिस यूज होता है, एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे अलर्ट में मैंने लिखा है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डियर व्यूवर्स। ठीक है, तो अब इसको हम यूज़ करेंगे क्लिक इवेंट के थ्रू, इवेंट बाइंड करेंगे। इवेंट बाइंड कैसे होगा तो मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बटन मैं लेता हूँ, सो आई एम राइट हियर बटन, और बटन क्लोज कर देता हूँ, और बटन पर मैं देता हूँ क्लिक मेथड, CLICK, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूज़र, और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं बटन का नेम कुछ भी दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ क्लिक मी एंड सेव करता हूँ। अब एक बार आउटपुट देख लेता हूँ, आउटपुट पे आया यहाँ पर मैं, तो यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा होगा बड़ा सा, क्लिक मी लिखा है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके ही देखता हूँ क्या होता है। मैंने जैसे क्लिक किया तो हमारा यहाँ इवेंट बाइंड हुआ डॉम के थ्रू, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डियर व्यूवर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा इवेंट बाइंडिंग, हम इवेंट को बाइंड कर रहे हैं। अब वहाँ पे कोई हम कंडीशन लगा रहे हैं, कोई मेथड लगा रहे हैं, कोई भी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, उस लॉजिक को अपने क्लिक बटन पर कॉल करते हैं और क्लिक कराते हैं, तो वो होता है हमारा इवेंट बाइंडिंग। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल चीज़ है और बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा बेसिक अब कुछ नहीं हो सकता है, समझ लो आप लोग। और अब आपको क्या करना है, अगर आपको दूसरा कोई मेथड बनाना है तो आप सिंपली यहाँ कर सकते हैं ऐसे, सपोज मैंने दिया नॉट ओके, नॉट ओके मेथड मैंने यहाँ बना रहा हूँ, और यहाँ दे रहा हूँ अलर्ट दिस इज नॉट ओके बटन, सेव किया। अब इसको मुझे बाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद सेम यहाँ बटन क्रिएट किया, और यहाँ पे नो ओके हम कॉल कर लेंगे, नो ओके, और यहाँ क्लिक, यहाँ पे जो क्लिक में लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ सी रिजल्ट, एंड सेव कर देता हूँ। और एक बार चेक करता हूँ, यहाँ आप देखो दो बटन आ गया, एक क्लिक मी है, एक सी रिजल्ट है। सो लेट मी क्लिक हियर सी रिजल्ट। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया लिखा है दिस इज नॉट ओके बटन लिखा है वॉट एवर सॉरी, एंड ओके करने के बाद जब क्लिक मी पे कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डियर व्यूवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इवेंट बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। इवेंट बाइंडिंग बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी सिंपल है, इंटरपोलेशन भी सिंपल है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है टू वे डेटा बाइंडिंग, जो कि थोड़ा सा एकदम मतलब थोड़ा सा 5% कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप समझोगे तो है कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप नहीं समझोगे तो एकदम लाइटली लोगे तो लाइटली रहेगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। सो आई डोंट थिंक कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो को समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और गाइस जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा सामने एंगुलर 11 टू वे डेटा बाइंडिंग एग्जांपल, आज हम टू वे डेटा बाइंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछला वीडियो हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे था। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप उसको वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको एंगुलर और अच्छे से समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरव्यू में भी और कोई प्रॉब्लम ना हो आपके समझने में भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग का एक एग्जाम्पल। उससे पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन देखने से पहले मैं एक छोटा सा इमेज निकाल कर रखा हूँ, और यहाँ पे इमेज में आपको एक बहुत अच्छी से और बहुत साफ तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये इसमें लिखा है टू वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर। एक साइड लिखा है प्रॉपर्टी बाइंडिंग प्लस इवेंट बाइंडिंग इज इक्वल टू वे डेटा बाइंडिंग। ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से हमारे हिसाब से समझाया गया है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग को जब मिला देते हैं तो हमें बनता है टू वे डेटा बाइंडिंग। और दोनों ब्रेकेट को यूज करके ही हम टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं, जिसको बनाना ब्रेकेट्स बोलते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो स्क्वायर ब्रेकेट एंड पैरेंथेसिस ब्रेकेट साथ में जब यूज होता है तो उसको बनाना ब्रेकेट बोलते हैं, और बनाना ब्रेकेट के थ्रू हम यूज करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसके बारे में सुन लेते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग जो होता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये चेंज करता है टेम्पलेट व्यू को और विदाउट एनी रिफ्लेक्शन कंपोनेंट टाइप स्क्रिप्ट कोड को। मतलब सिंपल सी भाषा में है कि अगर हम टू वे डेटा बाइंडिंग का अगर एक डेफिनेशन देना चाहे तो इन टू वे डेटा बाइंडिंग ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज ऑफ डेटा हैपन बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू। ठीक है, मॉडल और व्यू में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता है और जो हैपेंस क्रिएट होता है वही होता है हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे पता है। अब इसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाता हूँ। जब भी हम कोई इनपुट फील्ड होता है, इनपुट फील्ड पे टाइप करते हैं हे दिस इज आशीष, तो ऑन स्पॉट पे नीचे लिखता चलता है, हाय जैसे लिखते हैं हाय लिखता है, दिस इज आशीष नीचे लिख उठता है, विदाउट मिली सेकेंड में चेंज होता है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, तुरंत चेंज होता है। तो वही होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। अब ये कैसे होता है इसको बताने के लिए मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा। पहली चीज आपको एनजी मॉडल डायरेक्टिव इनेबल करना पड़ेगा, दूसरी चीज ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे जाके फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज सबसे पहले चलिए अपने प्रोजेक्ट में हम यूज कर लेते हैं। तो अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे आता हूं, और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस हमारा कहाँ है, ये रहा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, और यहाँ पे हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने फॉर्म्स मॉड्यूल को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं इंपोर्ट करली ब्रैकेट के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल, और ये किसकी लाइब्रेरी है, @ एंगुलर फॉर्म्स की। और इसको कहाँ इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट के एरे में, जो कि ये रहा इंपोर्ट एरे में आपको इंपोर्ट कर देना है। सबसे लास्ट में देखो मैंने किया हूं फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट। इतना करने के बाद आपको सेव करना है, और उसके बाद आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस वाली फाइल को क्लोज कर देना है। आपको इसको छूना ही नहीं है बिल्कुल, बस आपको क्लोज कर देना है। अब उसके बाद आपको आना है टीएस वाली फाइल में। टीएस वाली फाइल में अब आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को अभी हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, और मैं इसको भी हटा ही देता हूं। लो, हट गया। अब हमारा एकदम ब्लैंक है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। तो चलो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पर थोड़ा सा एक सिंपल सा चेंजेस करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दूंगा यूजर नेम। यूजर नेम मैंने दिया, और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसमें मैं डाल रहा हूं। अब यहाँ पे मैं देता हूं हाय टेस्टी कोडीज, और इस इतना लिख के मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब ये हाई टेस्टी कोडीज में क्यों लिखा हूँ ये भी आप समझना। अभी हम आउटपुट आपको दिखा देते हैं। अभी आउटपुट आपको एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, एकदम सिंपल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे दिखने वाला है। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 बार बीआर पहले यूज कर लेता हूँ। तो मैंने 2 बार बी आर टैग यूज किया, इट मींस डबल ब्रेक लाइन। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट फीड ले रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग लूंगा, ठीक है। इनपुट टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट, और जिसका टाइप मैं दूंगा टेक्स्ट टाइप का, और यहाँ पर मैं बनाना ब्रैकेट के साथ एनजी मॉडल इनेबल करूंगा। एनजी मॉडल क्या होता है, जब मैंने बोला था एनजी मॉडल, तो एनजी मॉडल को यहाँ मैंने इनेबल किया, और इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने जो भी वेरिएबल वहां लिया उसको मैं यहाँ पे एज इट इज रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे एक और बी आर टैग लूंगा। बी आर टैग मतलब ब्रेक द लाइन। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट एक इनपुट बॉक्स आया कि नहीं। ये देखो इनपुट बॉक्स आया, इनपुट बॉक्स में पहले से लिखा आ रहा है हाई टेस्टी कोडीज, ठीक है। ये कहाँ से आया आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस से आया, और मैं हाई टेस्टी कोडीज के बाद 2-3 डॉट कर देता हूँ, इट विल कंटिन्यू। सो सेव किया, अब देखो आपको फिर से उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है ये सब इरेज हो जाएगा, आप इरेज करेंगे तो इरेज हो जाएगा, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिकली फिर से आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2-वे डेटा बाइंडिंग यूज करने वाला हूँ। तो 2-वे डेटा बाइंडिंग के लिए हमने सारे कोड लिख लिए हैं, सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना है, आपको दिखाना है कि 2-वे डेटा बाइंडिंग वर्क कैसे करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H2 फिर से लेता हूँ, और H2 टैग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि H2 टैग का मैं कलर ग्रीन किया हूँ और इसका टेक्स्ट सेंटर मैंने कर रखा हूँ। तो अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर करली ब्रैकेट के साथ इंटरपोलेट करूंगा। इंटरपोलेट क्या करूंगा, यूजर नेम को करूंगा, सिंपल सा। यूजर नेम को इंटरपोलेट किया, सेव किया। अब देखो आउटपुट पे आता हूँ और आउटपुट पे देख लेता हूँ क्या दिख रहा है। मैंने यहाँ पे देखो जैसे लिखा है हाई टेस्टी कोडीज, यहाँ भी लिखा है हाई टेस्टी कोडीज, दैट्स परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं हम इसको यहाँ से जैसे इरेज करेंगे, देखो वहां से इरेज हो रहा है, मतलब सिंक्रोनाइज हो रहा है, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो रहा है। हम सिर्फ वहां क्लोज कर हटा रहे हैं कैरेक्टर को, यहाँ पे हट गया पूरा, वो ब्लैंक ये भी ब्लैंक। अब चलो मैं लिखता हूँ हाय, देखो जो भी लिख रहा हूँ सब लिख रहा है, हाय दिस इज आशीष, देखो लिख उठा। चलो मैं मिश्रा लिख दिया, ये भी लिख उठा, दैट्स परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, देखो एकदम कितना बढ़िया लिख रहा है। मतलब इनपुट बॉक्स में मैं जो भी लिख रहा हूँ बिना कोई एक्शन, मतलब कोई बटन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्टली मैं की ओर कर रहा हूँ और उसी पे ये हमारा वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2-वे डेटा बाइंडिंग हमारा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करता है, किस पे, मॉडल टू व्यू पर, मॉडल से व्यू पे हमें सिंक्रोनाइज कर देता है। और ये कैसे किया, आप सिंपल सा 2 स्टेप में किया। पहला स्टेप हमारा क्या था कि एनजी मॉडल को इनेबल करना है, एनजी डायरेक्टिव को इनेबल करना है, दूसरा है एनजी मॉडल फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है हमारे ऐप मॉडल डॉट टीएस में। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको समझ नहीं आएगा, बहुत बेस्ट और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हूं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।